नमस्ते वॉरियर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्टैंड फॉर AS लाइव सेशन में। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजकिरण टूडा, सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट है हैदराबाद से। हैदराबाद रूमेटोलॉजी सेंटर उनका सेंटर है, वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं। आज हमसे वो जुड़े हैं, हमारी डिजिटल फैमिली के साथ जुड़े हैं बायोलॉजिक्स के बारे में डिस्कस करने में। इनफैक्ट जब से ये लाइव सेशन चालू हुआ है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है, सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, वो बायोलॉजिक्स के बारे में ही है। तो हमने बायोलॉजिक्स को 3 सेशन में डिवाइड किया है ताकि हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सके, आपके सारे सवालों का आंसर दे सके। तो आज है पहला सेशन बायोलॉजिक्स के बारे में और डॉक्टर राजकिरण टूडा हमसे जुड़े हुए हैं। वेलकम डॉक्टर राजकिरण, वेलकम टू दिस डिजिटल फैमिली। थैंक यू डॉक्टर शशांक। मेरे लिए भी एक अलग ही तरह की एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत कम बार मैं पेशेंट से ऐसे डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ रहता हूँ। आई एम सीइंग ऑल योर लाइव सेशंस एंड जो आप इंटरेक्ट कर रहे हो पेशेंट्स के साथ, वो मैं देख रहा हूँ, और इससे पेशेंट्स का बहुत ही नॉलेज बढ़ रहा है बीमारी के बारे में, दवाइयों के बारे में, और एक रियलिस्टिक चीज़ जो क्या है ऐसे क्रॉनिक बीमारियों में। जब एक हम इससे अब बोले हैं वॉरियर, जैसे एक क्रॉनिक बीमारियों में जैसे हम लड़ते हैं ये बीमारी से, जो रियलिस्टिक गोल्स क्या है, हम जो हम अपने डॉक्टर के साथ बैठकर क्या डिस्कस करते हैं, वो सब अपने को बहुत सारे पेशेंट्स को ये लाइव सेशंस के थ्रू, ये एजुकेशन के थ्रू पता चलता है। और आई थिंक डेफिनेटली दिस विल हेल्प देम टू हैंडल देयर डिजीज बेटर। एक थोड़ा सा अभी हमारे यहाँ बोलते हैं आंध्र में, लाइक अगर डॉक्टर से कुछ बातचीत हो गया, अगर बीमारी के बारे में अपने को पता चल गया, डॉक्टर से कुछ डिस्कशन हो गया, तो उधर ही आधा बीमारी अपना कम हो जाता है, और आधा बीमारी तो दवाइयों से काम होता है। लेकिन ये डिस्कशन और दवाइयों के बारे में जानना और बीमारी के ऊपर जानकारी, मैं सोचता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल डेफिनेटली कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस मिशन, आप जो इतने सारे कर रहे हो, मेरे लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है ये। एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक यू एंड द एंटायर ऑडियंस फॉर इन्वॉल्विंग मी इन दिस वंडरफुल लर्निंग सेशंस। थैंक यू डॉक्टर शशांक। थैंक यू डॉक्टर राजकिरण। इनफैक्ट जैसे आपने एग्जैक्टली कहा, स्टैंड फॉर एज इसी के लिए चालू हुआ था कि वी पैशनेटली बिलीव कि अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, एंड सेकेंड अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर्स को हम लोग करेक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन दे सके, तो आधी सफरिंग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ऐसे ही हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। दैट इज एग्जैक्टली ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का स्टैंड फॉर AS जो फाउंडेशन है और उसका मिशन है वो चालू हुआ है। इसमें हमसे जुड़े हैं और भी कुछ पेशेंट ग्रुप, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी भी हमसे जुड़ी हुई है। थैंक यू ASWS फॉर बीइंग देयर विद अस एंड बीइंग देयर विद ऑल द वॉरियर्स। एंड जो वॉरियर की आपने बात कही वो भी सही कही, हमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स नहीं चाहिए, हमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स चाहिए ताकि हम लोग इस बीमारी को जीत सके। तो आइए चलते बायोलॉजिक्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले डॉक्टर राजकिरण का एक सबके लिए एक प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले उसे देखते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। डॉक्टर राजकिरण, सिर्फ फुल स्क्रीन कर देना। या Perfect. Is it okay? Yeah. Perfect. So, पहले तो मैं सब एक मिनट, मैं अपना मोबाइल ऑफ कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। थैंक यू। पहले आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिक्स के बारे में कि हाउ द बायोलॉजिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड। मैं आपसे एक बात से के ऊपर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं आंध्र से हूँ, कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है जैसा जितना डॉक्टर शशांक का है, बट आई विल ट्राई टू लाइक पुट फॉरवर्ड इन द वे आई नो द लैंग्वेज। सो बीच बीच में मैं हिंदी का उपयोग करता हूँ और इंग्लिश का उपयोग करता हूँ जो मेरे प्रेजेंटेशन।
ये प्लीज या गो अहेड। इनफैक्ट सो राइट सो जैसे डॉक्टर शशांक ने बोला है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बायोलॉजिक्स के बारे में, कि अभी आज तक जो दवाइयाँ है अवेलेबल एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को, सो बायोलॉजिक्स आर कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशनरी मेडिसिंस, बायोलॉजिक्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिंस अवेलेबल एज ऑन टुडे फॉर ट्रीटिंग एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्या है ये बायोलॉजिक्स, कैसे काम करते हैं ये बायोलॉजिक्स, क्या है ये बायोलॉजिक्स, कैसे काम करते हैं ये बायोलॉजिक्स, और बायोलॉजिक्स से अपने को यूज़ कितना होता है, और बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अपने को प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्यों है बायोलॉजिक्स इतना एक्सपेंसिव, ये सब चीज़ अभी आज हम डिस्कस करते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, खाली 10-15 मिनट का। तो इस डिस्कशन को जाने से पहले वी विल डिस्कस हाउ डू वी मैनेज एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मैनेज करने के लिए वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, वन इज एक मेडिकल मैनेजमेंट है, दूसरा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइक मैनेजमेंट बोलते हैं हम। हम सबको पता है कि एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, वेट रिड्यूस करना, डाइट मेंटेन करना, ये सब चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वी यूज़ लॉट ऑफ मेडिसन्स, इसमें नॉर्मल पेन किलर्स भी रहते हैं, बायोलॉजिक्स भी रहते हैं, सब चीज़ हम यूज़ करते हैं। सो कमिंग टू द मेन थिंग, जो हम सो कमिंग टू द मेन थिंग, हम जब एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें अपने को दो चीज़ ध्यान में रखना है कि डॉक्टर्स जब हमको दवाइयाँ देते हैं, सो वी मेनली गिव मेडिसिंस टू रिड्यूस आपका सिम्टम्स। आपका सिम्टम्स क्या है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, मेन जो आपका सिम्टम्स है वो पेन है। सो पेन आपका कम करने के लिए वी हैव टू गिव सम मेडिसिंस। और दूसरा चीज़ क्या है, डिजीज मॉडिफाइंग बोलते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग मतलब बीमारी को नहीं बढ़ाना, आगे बीमारी को कम करना है। तो हमारा एक डॉक्टर का जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है, उसमें हम दो चीज़ का ध्यान देते हैं, एक आपका सिम्टम्स करने का, कम करने का, दूसरा आपका ये डिजीज़ मतलब बीमारी कम करने के लिए। तो फिर क्या है जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें एक चीज़ तो है एनएसाइड्स मतलब पेन किलर्स जो हम यूज़ करते हैं, जिससे आपका सिम्टम्स यानी कि पेन कम हो जाता है। दूसरा बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफायर्स, जैसे साज है, फॉलीट्रैक्स है, ऐसे जो दवाइयों से हम बीमारी कम करने की कोशिश करते हैं। इधर एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, जो पेन किलर्स या एनएसाइड्स हम यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सिम्टम्स तो कम होता है लेकिन बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़ जो हमारा डिजीज़ मॉडिफायर ड्रग्स जो है, उसे हम बीमारी कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बहुत ही जल्दी अपना सिम्टम्स यानी कि पेन कम नहीं होता है। तो ये एक जो डिफिशियंसी है, जो जो बेसिक ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस डिफिशियंस एक बिकॉज ऑफ दिस डिफिशियंसी एक नया मेडिसिन का आविष्कार हुआ है, वो है बायोलॉजिक्स। सो बायोलॉजिक्स एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो जिससे हम पेन भी कम हो सकता है, मतलब जल्द से जल्द पेन भी कम हो जाता है इससे, और बीमारी भी कम होने की चांस रखता है ये। तो बेसिकली बायोलॉजिक्स क्या है, बायोलॉजिक्स क्या है पता करने से पहले अपने को एक छोटा सा चीज मालूम रखना है, अपने बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स रहते हैं, तो इस सेल के अंदर अगर अपन झांक के देखे तो फिर इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। हमारा बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज, ऐसे एक एक टिश्यू एक एक तरीके से का सेल्स से बना हुआ है। सो सेल एक 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 बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है, और सब पूरी बॉडी का फंक्शनिंग अगर आप देखें तो सब कुछ चीज़ यहाँ सेल से ही होता है। तो फिर इस सेल के अंदर अगर अपन झांक के देखें तो फिर एक न्यूक्लियस रहता है, और एक न्यूक्लियस के अंदर अगर आप गए तो फिर इसमें क्रोमोसोम्स रहता है। ये क्रोमोसोम के थ्रू अगर आप देखें तो फिर एक एक क्रोमोसोम ऐसा एक डीएनए से बना हुआ रहता है। अगर एक डीएनए के अंदर अगर आप गए तो फिर ऐसा एक डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं डीएनए को। तो फिर ये डीएनए ऐसा एक आरएनए बन जाता है, और ये जब ये आरएनए बन जाता है तो फिर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है। जैसे न्यूक्लियस से बाहर आता है, जैसे कुछ चीज़ रहते हैं जो हमारा सेल के अंदर, उसको राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम का हेल्प से ये जो छोटे छोटे बॉल्स जो बन रहा है, इसको प्रोटीन बोलते हैं।
एक छोटे छोटे एक अमीनो एसिड्स पूरा आकर एक प्रोटीन जैसा बनता है। ये देखो आपका प्रोटीन बन गया। तो फिर ये है बायोलॉजिक्स, बायोलॉजिक्स एक प्रोटीन्स है। तो फिर फ्रेंड्स मित्रों आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एक प्रोटीन तैयार होने में कितना वक्त लगता है, कितना चीज कितना मेहनत करना पड़ता है, एक एक सेल के अंदर बनता है प्रोटीन। तो फिर देखिए अगर आप बायोलॉजिक्स जो एक प्रोटीन है उसको अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो फिर आपको एक बहुत ही बड़ा सेटअप चाहिए। और एक बहुत ही ये सेटअप जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसमें देखो आपको एक डीएनए भी चाहिए बनाना, डीएनए भी बनाना पड़ता, एक सेल भी बनाना पड़ता आपको, एक सेल कल्चर भी बनाना पड़ता आपको, और ये जो आपका जो मेन ट्रांसक्रिप्ट है इसको आप सेल के अंदर भेजना पड़ता, और आपको ये देखना पड़ता कि वो मल्टीप्लाई हो रहा सेल्स, और उसके थ्रू आपको एक प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा लेबोरियस काम है। मतलब अगर आप एक छोटा मॉलिक्यूल देखे हो, ये छोटा मॉलिक्यूल है आपका, अगर पेन किलर हो, डाइक्लोफेनाक हो, एसिक्लोफेनाक हो, या ब्रूफिन हो, पैरासिटामोल हो, एक सब एक छोटा मॉलिक्यूल जैसा है। इस ये सब एक केमिकल स्ट्रक्चर है जो नॉर्मल लैब में भी आपको बना सकते हैं। मतलब इट दिस डजंट रिक्वायर ए बहुत ही बड़ा कम्बरसम सेटअप, आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बायोलॉजिक मॉलिक्यूल देख रहे हो तो फिर ये इतना बड़ा है। मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल, एक देखो ऐसा है, एक छोटा मॉलिक्यूल ऐसा है, मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल से कहीं गुना बड़ा आपका बायोलॉजिक प्रोटीन है। मगर एक छोटा मॉलिक्यूल अगर आप सोचे हो एक एक छोटा चूहा जैसा है, एक बायोलॉजिक एक बड़ा डायनासोर जैसा है। अगर आपके साइज के तुलना में देखना चाहते हो कि एक छोटा मॉलिक्यूल, एक स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल मतलब आपका डाइक्लोफेनाक है, आपका साज है, ये सब एक छोटा मॉलिक्यूल है। एक अगर एक छोटा सा चूहा जैसा है तो फिर बायोलॉजिक एक बड़ा डायनासोर जैसा है। आपको एक बड़ा डायनासोर जैसा बायोलॉजिक को बनाने के लिए बहुत ही सारा मेहनत करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपको सेटअप करना है इट बिकम्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव चीज़। इसीलिए ये बायोलॉजिक्स जो है बहुत ही मतलब छोटा मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होने की वजह से इसका थोड़ा कॉस्ट भी थोड़ा कम हो गया रिसेंटली। जब हम पहले यूज़ करते हैं, मैं और शशांक 2006 या 2007 में जो बायोलॉजिक्स एंटर हुआ है इंडियन मार्केट में, जब अगर किसी को इन्फ्लिक्सिमैब या रेमिकेड की दवाई देना है तो फिर उसको सालाना खर्चा ऑलमोस्ट एक 9 से लेकर 10 लाख तक आता था। तो इतना एक्सपेंसिव होता था बायोलॉजिक्स। अभी एक सालाना खर्च अगर आपको देखे तो फिर शायद 1.5 लाख के अंदर आ जा रहा है। तो फिर द कॉस्ट हैज सिग्निफिकेंटली कम डाउन। और आगे अपना जो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स है, अगर बहुत सारा बायोलॉजिक यूनिट्स अगर इंडिया में बन गए और जिसका उसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो फिर कॉस्ट और भी कम हो सकता है। और इंडिया एक ऐसा ऐसा उभर रहा है, एक ऐसा देश उभर रहा है कि 10-15 साल पहले बायोलॉजिक्स कुछ ही देश में उत्पत्ति होते थे, और बायोलॉजिक्स नाउ इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ बायोलॉजिक्स। और आगे जाकर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वील बी इन ए पोजिशन अपने देश के लोगों के लिए यूज होता, और बाहर के देशों के लिए वी कैन एक्सपोर्ट। तो फिर कुछ ही दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट दैट बायोलॉजिक्स कॉस्ट अभी जो कम हो गया उससे और भी कम हो सकता है। लेकिन लेकिन थोड़ा बेसिक कॉस्ट उसका रहेगा, जो मतलब जितना नॉर्मल जो मॉलिक्यूल से उतना तो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। देखो ऐसे पहले ही आपको एक डीएनए बनाना है, तो फिर उसको आपको सेल के अंदर घुसाना है, और ये न्यूक्लियस है, और इधर जाकर जैसे मैंने जो प्रोसेस बोला है उससे एक प्रोटीन उत्पत्ति होता है, जो प्रोटीन बाहर निकलता है और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब एक छोटा मॉलिक्यूल बनाने के लिए इतने सारे कम्बरसम प्रोसेस को आपको नहीं जाना पड़ता है, मतलब यू कैन जस्ट मेक इट इन ए सिंपलर फॉर्मेट। लेकिन क्या है ये बायोलॉजिक्स, कैसे काम करते हैं ये बायोलॉजिक्स, अगर आपको अगर आप देखना चाहते हैं जो रिएक्शन होता है हमारा बॉडी के अंदर, हमारा जॉइंट्स के अंदर या बोन्स के अंदर, ये बहुत सारे सेल्स रहते हैं, इम्यूनिटी का सेल्स रहता है, जैसे टी सेल है, मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है, बहुत सारे इम्यूनिटी का सेल्स है। ये सेल्स बनाते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जैसे टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 17, ऐसे इसको साइटोकाइंस बोलते हैं। मतलब जो सेल उत्पत्ति करता है वो उसको साइटोकाइंस बोलते हैं। ये जो साइटोकाइंस जो है वो रिलीज होकर ये अपना मतलब दूसरे तरह का सेल्स को एक जगह लाते हैं,
और ये पूरे सेल्स जो लॉट ऑफ मतलब एक तरह का रिएक्शन क्रिएट करता है हमारे बॉडी को, बॉडी के अंदर, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन एंड रिलीज ऑफ लॉट ऑफ दीज साइटो इन्फ्लेमेटरी साइटोकेंस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, दे विल डैमेज द जॉइंट, दे विल जनरेट द पेन एंड दे विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अवर हेल्थ। सो बेसिकली बहुत सारे रिसर्च में यही पता चला है, दिस इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ द डिजीज। मतलब अपना डिजीज जो हम बाहर से देखते हैं, अगर अंदर अपने बॉडी में झांक कर देखते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट जो है ये है। तो हमको रिसर्च में ये पता चला कि अगर अपन ये मेन चीज जो है, ये साइटोकाइन जो है, अगर इसको अगर अपन ब्लॉक करेंगे तो फिर बीमारी कम होता नहीं होता बोलकर साइंटिस्ट ने काम किया है। सो दे हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच विल ब्लॉक दिस टीएनएफ अल्फा। मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अगर आप पूछ सकते हैं क्या सर, डॉक्टर साहब, एक स्मॉल मॉलिक्यूल से हम टीएनएफ अल्फा ब्लॉक नहीं कर सकते? नहीं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल से सेलेक्टिवली टीएनएफ अल्फा ब्लॉक करना मुश्किल है। जैसे अगर आप देखते हो स्टेरॉयड्स, पेन किलर्स, वो भी थोड़ा टीएनएफ अल्फा को कम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मल्टीपल जगह काम करते हैं, और टीएनएफ अल्फा ब्लॉकिंग के अलावा दूसरे जगह भी वो काम करते हैं। तो फिर ये स्पेसिफिक टीएनएफ अल्फा को टारगेट करने के लिए तो आज तक ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स अभी डेवलप नहीं हुए। स्पेसिफिक टीएनएफ अल्फा को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, अब तक जो दवाएं अवेलेबल है उसमें यही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स है, बायोलॉजिक्स है, वो टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करते हैं। तो उसके दौरान फर्दर अगर आप गए तो फिर वो इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो कम होने के चांस रहता है। तो फिर क्या है बायोलॉजिक्स, क्या है बायोसिमिलर्स? अभी आप अपने को सुनने को आ रहा है कि बायोलॉजिक क्या है, बायोसिमिलर क्या है। तो बायोलॉजिक एक इनोवेटर प्रोडक्ट है, बायोलॉजिक एक इनोवेटर प्रोडक्ट। इनोवेटर प्रोडक्ट मतलब जो साइंटिस्ट्स R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं। देखो डॉक्टर राजकिरण के यहाँ पे काफी रेनी, आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई थी, काफी रेन हो रहा था, पावर आउटेज का इशू था शायद, ऐसे कुछ हुआ ऐसे लगता है। वी विल वेट फॉर डॉक्टर राजकिरण टू ज्वाइन बैक। इन द मीन टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो एग्जैक्टली डॉक्टर राजकिरण बोल रहे थे कि डिफरेंस क्या है रूटीन जो मॉलिक्यूल्स है, आप जो सल्फासैलाजिन लेते हो, मीथोट्रेक्सेट लेते हो, NSAIDs लेते हो, ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल मॉलिक्यूल यानी देखेंगे, अगर समझो जैसा उन्होंने एग्जांपल दिया था छोटा चूहा और डायनासोर, वैसे ही मैं बोलूंगा अगर साइकिल और प्लेन का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे साइकिल जैसे है, और बायोलॉजिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स है प्लेन जैसा। तो ऑब्वियसली साइकिल और प्लेन के बनाने में भी एक्सपर्टाइज भी अलग लगता है, और ऑब्वियसली उसका कॉस्ट में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी चीज, जब हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, रूटीन मॉलिक्यूल्स जो है DMAIDs, NSAIDs देखते हैं, ये केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, और जो बायोलॉजिक्स है ये बायोलॉजिक प्रोसेस से बनते हैं। अभी इसको कैसा समझेंगे, इसको एक प्लेन सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। पेप्सी कोक आप जो लेते हो वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, एक स्पेशल फॉर्मूला है कंपनी ने बनाया हुआ, वो केमिकल्स उस फॉर्मूला से मिक्स होते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, और बन जाता है आपका पेप्सी या कोक। सो ये जो है ये सल्फासैलाजिन, मीथोट्रेक्सेट मॉलिक्यूल जैसा, ये बेसिक केमिकल प्रोसेसेस से बनता है, तो ये बनाना रिलेटिवली आसान होता है, और जब बड़े स्केल पे आप बनाते हो तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। बायोलॉजिक्स इसके अगेंस्ट वाइन जैसे है। अभी क्या वाइन सिर्फ चार केमिकल मिक्स करके बनती है? नहीं, ग्रेप्स लो, ग्रेप्स को उसने प्रोसेस से पास करो, उतना टाइम रुको, तब जाके वाइन बनती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही डिफरेंस है, जो रूटीन मॉलिक्यूल्स है वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, और जो बायोलॉजिक्स है वो बायोलॉजिक प्रोसेस से बनते हैं। तो एग्जैक्टली डिफरेंस कोक और वाइन के बीच में बनाने की उसकी जो प्रोसेस है वो भी, और उसी के लिए उसकी कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा वाइन बनाने में उतना टाइम लगता है, तो बायोलॉजिक्स एग्जैक्टली कैसे बनते हैं? बायोलॉजिक्स बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली बॉडी में? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अपनी ही इम्यूनिटी, अपने ही जॉइंट्स को अटैक करती है।
तो जब वो जॉइंट्स को अटैक करती है तो ये जो सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के, वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं और वो केमिकल्स जाके जॉइंट में सूजन कर देते हैं, जिसकी वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। उसमें से एक केमिकल है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, टीएनएफ अल्फा, और दूसरे कुछ इंटरल्यूकिन्स भी है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स बनाए हैं जो इन केमिकल्स को, साइटोकाइन्स को ब्लॉक करते हैं। और यही हम लोग बायोलॉजिक्स है। डॉक्टर राजकिरण है हमारे साथ वापस। डॉक्टर सो एक्चुअली सॉरी, राजकिरण या सॉरी, नो एक्चुअली प्रॉब्लम, नो कल कल प्रॉब्लम। रात को वी हैड लॉट ऑफ बारिश हुआ था इधर, तो फिर 1 मिनट, आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली वी आर हैप्पी यू आर बैक एंड थैंक यू वेरी मच। आज सुबह ही आपसे बात हो रही थी, पावर आउटेज था आपके यहाँ पे, फिर भी आपने हाँ, ज्वाइन किया। वी हैड दिस लॉट ऑफ, मतलब कल रात बहुत बड़ा बारिश हुआ था, तो फिर इसलिए हैदराबाद में वी हैड लॉट ऑफ पावर फ्लक्चुएशंस। वैसे मालूम नहीं है कि मुंबई में कैसा है वेदर नाउ। दिस वी आर फिलहाल तो हैविंग ठीक दिस है। वी आर हैविंग दिस ये पावर फ्लक्चुएशंस का एक प्रॉब्लम है, और बीच में कोरोना पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स, उसके बीच में अपना ये पेशेंट्स लाइक या। तो फिर ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? यू हैव टू शेयर इट, शेयर नहीं हुआ है अभी तक। या जैसे जैसे डॉक्टर शशांक बोल रहे हैं, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस जो होल जो रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, तो उसको टारगेट करने के लिए साइंटिस्ट ने दे हैव प्रिपेयर्ड दिस बायोलॉजिक्स, या सेलेक्टेड टारगेटेड प्रोटीन्स बोलते हैं इसको, जिसमें एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटोकाइन जो है वो टीएनएफ अल्फा है। सो दिस टीएनएफ अल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पूरा पूरा बीमारी का जड़ अगर आप बोलना चाहते हैं, तो फिर दे थॉट दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से पेशेंट्स को दर्द होता है, इसकी वजह से बोन्स डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से वेट कम हो सकता है, सब चीज़ शायद इसके थ्रू ही होता है। मतलब हालांकि बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स रहते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रहते हैं, लेकिन इसको टीएनएफ अल्फा को एक की प्लेयर माना जाता है ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में। तो फिर इसको अगर हम टारगेट करेंगे तो फिर शायद ये बीमारी कम हो सकता बोल के इसका डेवलपमेंट हुआ है एंटी टीएनएफ अल्फा का। तो फिर ये एंटी टीएनएफ अल्फा एक बायोलॉजिक प्रोटीन है, जैसे अपने को मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रेमिकेड है, इन्फ्लिक्सिमैब बोलते हैं उसको उसका नाम, और इन्फीमैब है, एडेलिमिमैब है उसको, दूसरा और एक टाइप का बायोलॉजिक है उसको हिमेरा बोल के हम जाने जाते हैं, एग्जम्पशा, और कई तरह के इंडियन बायोसिमिलर्स हैं। तो फिर ऐसे एक तरह तरह के एंटी टीएनएफ अल्फा और एटनारसेप्ट है, एम्ब्रिल है, और इंटासेप्ट, ऐसा कहीं तरह का नाम है इसको, कंपनियों ने लगाया है उसको बेसिक प्रोटीन को। तो फिर ये एंटी टीएनएफ अल्फा ड्रग्स बहुत, मतलब लगभग 2 साल पहले तक और आज भी दे कंसिडर दिस एज ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन हैंडलिंग एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। लेकिन रिसेंटली हमको एक पिछले 1.5 या 2 साल से एंटी IL-17 का आविष्कार भी हुआ है। टीएनएफ अल्फा के साथ साथ IL-17 साइटोकाइन भी माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बीमारी में। तो फिर IL-17 का भी एंटी लाइक प्रोटीन एक सिंथेसिस हुआ है, सेटुकिनुमाब बोल के उसको, स्कैफो बोल के हम मार्केट में आज अवेलेबल है। तो फिर ये स्कैफो भी यूज़ होता है ये बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो फिर दो ये दो बायोलॉजिक टारगेटेड बायोलॉजिक्स है जो अब अभी हमको अवेलेबल है, जो हम यूज़ करते हैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में। इसमें एक मेन एंटी टीएनएफ अल्फा है और एंटी IL-17 है। तो फिर क्या है बायोलॉजिक्स, क्या है बायोसिमिलर्स? देखो, जो मैं बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया आपको, पहले एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना, और एक एक ट्रांसक्रिप्ट को प्रिपेयर करना, और उसको सेल के अंदर भेजना उसको, और न्यूक्लियस के थ्रू उसका सेल का मशीनरी यूज़ करके एक प्रोटीन बनाना है। तो
तो फिर ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये प्रोटीन में, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कहीं भी आपको कुछ भी डिफेक्ट हुआ ना, तो फिर अल्टीमेट फाइनल प्रोटीन जो आपको आता है वो डिफेक्टिव रहता है। डिफेक्टिव प्रोटीन एक तरीके से बहुत ही डेंजरस है, मतलब पहले तो वो काम नहीं करेगा, और दूसरा एक प्रोटीन एक टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी रिएक्शन जनरेट कर सकता है हमारे बॉडी में। उससे अपने को प्रोटीन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज जनरेट हो सकते हैं अपने बॉडी में, और इस प्रोसेस को इम्यूनोजेंसिटी बोलते हैं। अगर प्रोटीन थोड़ा बहुत काम करता है तो फिर उसको डिफेक्टिव कर सकती है, और प्रोटीन बिल्कुल ही काम नहीं करेगा तो फिर वो हार्मफुल हो सकता है। तो फिर एक एक टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होता है वो नॉर्मल, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो स्मॉल मॉलिक्यूल से। तो फिर प्रोटीन एक तरीके से फाइनल प्रोटीन जो है, प्रोटीन का बहुत जो स्ट्रक्चर जो है, ये दैट हैज़ टू बी इंटैक्ट, दैट हैज़ टू बी वेरी सिमिलर। इसमें हम दो चीज़ का ध्यान देते हैं, एक है एफिकेसी, दूसरा है सेफ्टी। एफिकेसी मतलब ये दवाइयाँ काम करना है अपने को, मतलब जैसे भी हो अगर आपको ये दवाइयाँ दिया तो फिर आपको बीमारी कम करना है और आपको बीमारी बढ़ना नहीं। मैंने पहले ही मेरे स्लाइड्स में बोला है, दो चीज़ का ध्यान रखते हैं जब हम डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं, एक आपका सिम्टम्स कम होना है, दूसरा आपका बीमारी कम होना है। जी देखो, हम दवाइयाँ देते हैं और बोलते हैं आपको जी देखिए आपका ESR कम हो गया, आपका CRP कम हो गया, लेकिन पेशेंट बोलता है नहीं डॉक्टर साहब ये सब तो कम है लेकिन मुझे तो दर्द 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 भी अभी तक हो रहा दर्द। मतलब उससे कोई मतलब नहीं, आपको दर्द भी कम होना है, आपका सिम्टम्स भी रिड्यूस होना है, आपका जो बीमारी जो हम देखते हैं जनरली इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे ESR, CRP और एक्सरेज और MRI करके देखते हैं, वो बीमारी का अंदर का प्रोग्रेशन भी कम होना है, तो इसको बोलते हैं एफिकेसी। तो एफिकेसी अच्छा रहना चाहिए दवाएं का, जब भी एक दवाई रहता है उसका एफिकेसी अच्छा रहना चाहिए, तभी वो एक रिसेप्टिव हो जाता है, मतलब डॉक्टर्स भी उसको अच्छी तरीके से कैसे रिसीव करता है, पेशेंट भी उससे बेनिफिट लेता है। और दूसरा चीज़ क्या है, सेफ्टी। मतलब जैसे हमने मैंने बोला अभी तक ये जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के अंदर गए तो फिर कभी कभी ये इम्यूनोजेंसिटी मतलब एंटीबॉडीज पैदा कर सकते हैं उसको, प्रोटीन को, ये सब ध्यान में रखना है। तो फिर इसको एक ऐसा प्रोटीन बनाना है कि वो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स रहते हैं उसको थोड़ा मिलता जुलता रहता है, तो बॉडी विल नॉट डिटेक्ट इट एज ए फॉरेन। ऐसा ऐसा बनाने में साइंटिस्ट को बहुत दिन और रात मेहनत करना पड़ता है, टू सिंथेसाइज दिस इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो फिर ऐसा पूरा एक एक प्रोटीन बना के उत्पत्ति करके, रिसर्च करके, और उसका एफिकेसी और सेफ्टी स्टडीज करना है। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं। तो फिर दे हैव टू डू क्लिनिकल ट्रायल्स, पहले एक छोटे ग्रुप में करते हैं, फिर उसके बाद में बड़ा ग्रुप में करते हैं, फिर उसके बाद में पूरा लाइक विश्व में करते हैं। सो दे विल डू इट इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन रेसेस में करते हैं। तो सब करने का बाद देन दे विल ये डाटा को एक रेगुलेटरी बॉडीज जैसे US में USFDA रहते हैं, यूरोप में EMA रहते हैं, इंडिया में लाइक DCGI रहते हैं, ऐसे एक रेगुलेटरी बॉडीज को दे विल प्रेजेंट ऑल दिस डेटा। और रेगुलेटरी बॉडीज क्या करते हैं, दे विल लुक एट ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। ऐसे ही मतलब बायोलॉजिक्स का अप्रूवल नहीं आता है, एक रेगुलेटरी बॉडीज पूरा ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देखने के बाद अगर उनको कुछ भी डिफेक्ट नहीं पता आइडेंटिफाई करे इसमें, एंड इफ दे फाउंड दैट ये ड्रग जो है इससे बेनिफिट हो सकता है लाइक ह्यूमन बीइंग्स को बोले, तो देन दे विल गिव इट एन अप्रूवल। तो फिर ये सब प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि दे विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिक जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बहुत सारे बायोलॉजिक्स ऐसे हैं, जैसे आपको TNF-alpha एक इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन है, इसको टारगेट करे तो पेशेंट इम्प्रूव होता, पता करने के लिए कई सारे थाउजेंड्स ऑफ साइटोकाइन्स ब्लॉक करने के लिए दे हैव ट्राइड। सो दे हैव यूज्ड टू दे हैव ट्राइड सम प्रोटीन्स, प्रोटीन तैयार करके दे ट्राइड टू ब्लॉक IL-1, दे ट्राइड टू ब्लॉक IL-23, दे ट्राइड टू ब्लॉक लाइक IL-6, ऐसा बहुत सारे इंटेल्यूकेंस है जिसको ब्लॉक करने के लिए कोशिश करते हैं, एंड दे विल सी दैट कहीं चीज़ों से कभी नुकसान भी हो सकता है, कहीं चीज़ों से बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है उनका, जिससे फाइनली एक ड्रग आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो फिर बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी दे हैव टू स्पेंड अलॉट। तो एक 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 तरीके से बहुत सारा खर्चा होता है इसमें एक एक ड्रग मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसीलिए टू रिट्राइव दैट कॉस्ट, एक ऐसा पेटेंट लेते हैं कुछ सालों तक। तो फिर क्यों है, बिकॉज वाई टू रिट्राइव दिस कॉस्ट, क्योंकि अगर आप कॉस्ट अगर आप रिट्राइव नहीं करोगे तो फिर आगे जाकर एक नया ड्रग और नया बीमारी के लिए नया मॉलिक्यूल प्रिपेयर करना मुश्किल होता है इंडस्ट्री को।
इसीलिए बेसिकली वॉट एवर दे हैव इन्वेस्टेड इनिशियली दे विल ट्राई टू रिट्राइव, और जैसे एक एक पीरियड देता है एक रेगुलेटरी बॉडीज, ऐसा इतने इतना टाइम आपको पेटेंट देते हैं हम, उसमें आप जस्ट यू विल ट्राई टू रिट्राइव बोल के, तो फिर उसमें एक एक टाइम होने के बाद क्या होता, दूसरे कंपनियां जो है जो रिसर्च नहीं कर सकते, इतना लंबा चौड़ा रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते, दूसरे कंपनियां जो है वो लोग क्या करते, दे विल ट्राई टू प्रिपेयर बायोसिमिलर। बायोसिमिलर यानी ये जो ओरिजिनल प्रोटीन है उसका ही तरह दे विल ट्राई टू सिंथेसाइज ए न्यू प्रोटीन। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली वो जो प्रोटीन को लेते हैं, जैसे हमने देखा है जो प्रोसेस है, जो पहले एक एक डीएनए जैसे स्ट्रक्चर को लेकर वो फाइनली दे विल प्रिपेयर अ प्रोटीन, ऐसे ही वो लोग रिवर्स जाते हैं। मतलब इसको, इस प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। मतलब एक प्रोटीन को टुकड़ा टुकड़ा बनाकर ये फाइनली देखते हैं बेसिकली उसमें क्या है, किस चीज़ से ये बना हुआ है, तो फिर वो सब देख कर फिर उसके बाद में देन दे विल ट्राई टू एक ऐसे एक जैसे एक है, अगर आपको एक आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास एक कंप्यूटर है, पूरा उसको डिसमेंटल करना, उसको देखना इसमें क्या क्या किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो फिर पूरे वो मार्केट से वो पूरा ला लेकर आपको उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर इस तरीके से बायोसिमिलर बनता है। तो फिर जो बायोलॉजिक का प्रोडक्शन है, इनिशियल प्रोसेस जो थीम रहता है कैसे वो प्रोड्यूस होता है बायोलॉजिक और बायोसिमिलर का, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फाइनली बायोसिमिलर जब वो बनाते हैं, ये दो चीज़ उस वो लोग ध्यान में रखते हैं, जो है एफिकेसी और सेफ्टी। एफिकेसी मतलब दवाएं काम करना, सेफ्टी मतलब दवाएं सेफ रहना, दवाएं से साइड इफेक्ट नहीं होना। तो फिर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनने के बाद बायोसिमिलर को और बायोलॉजिक को कंपेयर करके देखते हैं और छोटा मोटा क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। मतलब बड़ा क्लिनिकल ट्रायल जैसे बायोलॉजिक जो एकदम से नया ड्रग है जो जो ह्यूमन बींग्स में एंटर हो रहा है, बायोसिमिलर कम्प्लीटली नया नहीं है, वो बायोलॉजिक का कॉपी है, मतलब नकल करना है। अगर आपको आपका एक छोटा सा फिल्म बनाने चाहते हो, अगर आपको शाहरुख खान आपके बजट में नहीं है, तो फिर कोई भी दूसरा जब शाहरुख खान जैसा आदमी को ले लेकर जिसका उसका मिलता जुलता लेकर एक छोटा सा आप टेलीफिल्म बना लो, तो फिर ऐसा ही टाइप का है। मतलब इट विल बी वेरी सिमिलर टू दैट, वो भी परफॉर्मेंस ऐसा ही करता है, मगर आपको एंड रिजल्ट जो है, अगर वो आप अच्छा बना होगे तो फिर अच्छा रिसीव होगा आपका, अच्छा फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आ जाएगा, और जो ऑडियंस है उसको भी अगर दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट, लुकिंग एट दैट टेलीफिल्म और शॉर्ट फिल्म, देन आपका तो मतलब देर इज आपका एंटरटेनमेंट मिल गया। मतलब एक क्लिनिकल जगह देखे तो फिर आपका रिजल्ट मिल गया जो आपका एफिकेसी चाहिए। तो फिर ऐसा ही है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, थोड़ा कॉस्ट कम रहता है बायोसिमिलर मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे बायोलॉजिक जो मैन्युफैक्चर होता है, इसीलिए बायोसिमिलर जब भी मार्केट में आता है बायोलॉजिक्स जो ओरिजिनल ड्रग का कॉस्ट से बहुत कम होता है, लेकिन बेसिक कॉस्ट तो उतना उसका थोड़ा ही रहेगा, क्योंकि इतना बहुत सारा कंबरसम प्रोसेस है। एक बायोलॉजिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अगर आपको बनाना है तो फिर करोड़ों रुपए उसमें लग जाते हैं कंपनीज को, और एक टेम्परेचर जो मेंटेन करना है, ऐसा प्रोसेस है, इसीलिए दे विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट कंपेयर टू द ओरिजिनल बायोलॉजिक्स द कॉस्ट उसका थोड़ा कम रहेगा। तो फिर ये सब होने के बाद, रिसर्च होने के बाद, आपको बायोसिमिलर को एक टिक मार्क मिलता है कि दे आर एज गुड एज बायोलॉजिक्स, और द रेगुलेटरी बॉडीज आपका जो कंट्रीज का रेगुलेटरी बॉडीज है, दे विल गिव अप्रूवल टू द बायोसिमिलर्स। तो मित्रों आपको पता होगा कि बेसिकली बायोलॉजिक कैसे मैन्युफैक्चर होता है, बायोलॉजिक के बाद बायोसिमिलर कब आता है मार्केट में, उसके बाद में क्वेश्चंस आप कहीं पूछ सकते हैं शशांक से, और मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ डिस्कशन में। और विद दिस आई होप, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ आज क्योंकि सेशन वन है बायोलॉजिक्स के बारे में। इसमें वी हैव डिस्कस्ड ओनली कि कैसे बायोलॉजी, किधर से बायोलॉजिक्स आता है, कैसे बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चर होता है, और ये छोटे मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंट है, और ये बायोलॉजिक्स क्या है, बायोसिमिलर क्या है, और एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पेसिफिकली इसमें हम कौन सा साइटोकाइन्स को टारगेट करते हैं, बायोलॉजिक, और दूसरी चीज़ क्या है बायोलॉजिक्स, मतलब बायोलॉजिक्स आर नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बायोलॉजिक्स हम दूसरे बीमारियाँ मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो क्रॉन्स डिजीज जो है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का जो सब कैटेगरीज है, ये सब में बायोलॉजिक्स यूज करते हैं। मतलब कोई भी प्रोटीन अगर आप देखें तो अगर सिंथेसिस करके अपन यूज कर रहे हैं कहीं बीमारी को, उसको बायोलॉजिक बोल के बुला जाता है। सो विद दिस आई कंप्लीट माई सेशन। शशांक, शैल आई स्टॉप शेयरिंग? यस यस, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच राजकिरण, काफी डिटेल में आपने बोला, थोड़ा सा और समझ क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉरी, जैसा क्वेश्चन है बायोलॉजिक इतने महंगे क्यों होते हैं? देखो सॉरी, कैसा है, सबसे पहले इसमें
जो फाइनल प्रोडक्ट आपको हाथ में मिलता है उसके पीछे कितनी बड़ी स्टोरी है वो जानना जरूरी है। जो डॉक्टर राजकिरण ने अभी भी बोला उसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी होती है और उसी स्टोरी की वजह से उसकी कॉस्ट कितनी होती है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट को देखना पड़ता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सपोर्ट है तो उसमें कौन सा साइटोकाइन कौन सा केमिकल ज्वाइंट में इंफ्लेमेशन कर रहा है, तो उनको ऐसे 20-30 केमिकल्स मिल जाते हैं। फिर और रिसर्च करना पड़ता है कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है केमिकल। एक बार वो केमिकल पर अब इसमें रिसर्च में ये रिसर्च होता है, इसमें पैसे लग जाते हैं। एक बार समझ गया कि समझो कि TNF अल्फा, हमने देखा कि TNF अल्फा इसमें इंपॉर्टेंट केमिकल है, तो उनको बैठ के बहुत सारे केमिकल्स लेबोरेटरी में बनाने पड़ते हैं जो इस TNF अल्फा को ब्लॉक करेंगे। इसमें ऑब्वियसली और इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके बाद एनिमल स्टडीज चालू होती है कि ये 10 उन्होंने अगर मॉलिक्यूल चूज किए कि ये 10 मॉलिक्यूल TNF अल्फा को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसके ऊपर स्टडी होती है कि उसमें से कौन सा बेस्ट मॉलिक्यूल है। तो एनिमल स्टडीज होती है, एनिमल स्टडीज के बाद कुछ शॉर्टलिस्ट होते हैं केमिकल, फिर ह्यूमन स्टडीज चालू होती है। एनिमल स्टडीज भी एक्सपेंसिव होती है, इनफैक्ट एनिमल स्टडीज में काफी बार स्पेशल कुछ प्रोसीजर करनी पड़ती है, जैसे HLA-B27 माउस बनाना पड़ता है, उसमें आर्थराइटिस करना पड़ता है, फिर देखे देखना पड़ता है कि आर्थराइटिस कम होता है कि नहीं। तो सिर्फ एनिमल्स लिए उनमें स्टडी किए ऐसे तो नहीं रहता है, काफी कुछ उसमें स्पेशल प्रोसीजर्स होती है, काफी एक्सपर्टाइज लगती है उसमें, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। उसके बाद ह्यूमन स्टडीज होती है, ह्यूमन स्टडीज Phase 1, Phase 2, Phase 3 ऐसे काफी सारे फेजेस की होती है। एक वॉलेंटियर पे काफी बार 2-3 लाख तक खर्चा आता है कंपनीज को देखने के लिए कि ये स्टडी में एक, जैसा डॉक्टर राजकिरण ने कहा, एक ये मॉलिक्यूल फायदा करता है क्या नहीं, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेफ है क्या नहीं। समझो अगर फायदा नहीं करता है या सेफ नहीं है तो ये मॉलिक्यूल अबैंडन होता है। जब कोई मॉलिक्यूल अबैंडन होता है तो उसके पीछे तब तक का जो खर्चा किया है कंपनी में वो पूरा वेस्ट चला जाता है। तो ये R&D की टोटल कॉस्ट होती है, और फिर ये लास्टली मार्केट में आता है। तो ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अल्टीमेटली ट्रांसफर होती है फाइनल कॉस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में। और सेकेंड, जैसा डॉक्टर राजकिरण ने भी बोला और जो हम लोग थोड़े देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ये केमिकल कंपाउंड जैसे नहीं है कि दो केमिकल्स मिक्स किए बन गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बायोलॉजिक प्रोसेस होती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, एक सेल लिया जाता है, सेल के DNA को चेंज किया जाता है। वो इस तरह से चेंज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, इस तरह चेंज किया जाता है कि ये सेल आगे जाके वो बायोलॉजिक का प्रोटीन बनाने लगे। यानी समझो कोई बंदा है जिसने 12th पास किया, उसको ट्रेन कर करके चेंज कर करके उसको इंजीनियर बनाया जाता है, तब जाके वो इंजीनियर का काम करेगा। तो सेम चीज रूटीन जो सेल्स है उनको इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि वो बायोलॉजिक बना सके। अभी ये भी काफी टीडियस टास्क है, इसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट लग जाती है, और आगे की जो प्रोसेस है पूरे वो काफी, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसकी भी काफी कॉस्ट रहती है, और इसी के लिए बायोलॉजिक्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, जैसा अभी हमने देखा प्रेजेंटेशन में, वो उसी प्रोटीन की कॉपी रहती है, जो बायोलॉजिक है उसी प्रोटीन की कॉपी रहती है। उनमें भी स्टडीज करके गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि दे आर सिमिलर टू द बायोलॉजिक। अगर वो इतने अच्छी उनकी अगर एफिकेसी नहीं थी निकली तो वो भी मार्केट में आ नहीं सकते। गवर्नमेंट चेक करता है, रेगुलेटरी बॉडीज रहती है जैसे इंडिया की DCPI है, वो चेक करती है कि जो भी बायोसिमिलर बनाया है सपोज इंडियन कंपनी में कोई, कि क्या वो मेन बायोलॉजिक के इतना ही इफेक्टिव है या नहीं, और सेफ्टी वाइज भी क्या वो इक्वली सेफ है। अगर वो कंफर्म होता है तो ही जाके अप्रूवल मिलता है, तब जाके मार्केट में आता है। तो बायोसिमिलर की कॉस्ट क्यों कम होती है, देखो उनको कौन सा केमिकल एंकिलोजिन में इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो देखने का रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, 10 मॉलिक्यूल ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एनिमल स्टडीज करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन स्टडीज डेफिनेटली हो जाती है, लेकिन वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं रहती है बायोलॉजिक के जितनी, इसके लिए बायोसिमिलर की कॉस्ट थोड़ी कम रहती है। तो आई थिंक ये इससे आपका ये इनफैक्ट काफी लोगों ने पूछा है, काफी वॉरियर्स ने कि बायोलॉजी इतने महंगे क्यों है, तो आई थिंक ये काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। डॉक्टर राजकिरण, तपन दास का क्वेश्चन है, उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है,
उन्होंने एडालिमुमैब लिया हुआ है, उनका अच्छा से एडालिमुमैब से कंट्रोल हो गया है, क्या वो प्रेगनेंसी का प्लान कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब एडेलिमेमैब से अगर मतलब ऐसा कुछ डाटा तो नहीं है कि आप एडेलिमेमैब लेंगे तो फिर आप ऐसा फैमिली नहीं प्लान कर सकते। मतलब इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, टेराटोजेनिक बोलते हैं, हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। ऐसे कुछ दवाएँ रहते हैं जो जो हम यूज़ नहीं कर सकते इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन। ऐसे कुछ दवाएँ रहते हैं जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब एडोलिमेमैब इज नॉट टेराटोजेनिक। मतलब उसके बाद में हम लॉट ऑफ रिसर्च भी रहता है इसके ऊपर, मतलब कहीं सारे लाइक हज़ारों अरबों लोग लाइक दे हैव यूज्ड एडोलिमेमैब इससे पहले, उनमें भी ऐसा कुछ डेटा नहीं है। तो फिर अगर आप एडोलिमेमैब यूज़ कर रहोगे तो फिर इट्स देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू प्लान फॉर चिल्ड्रन, इट्स सेफ। मतलब आज तक जो साइंटिफिक डाटा जो अवेलेबल है वो ये नहीं बोलता कि एडोलिमेमैब अनसेफ है, तो फिर यू कैन यूज़, आप बेझिझक रहिए इसमें, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, तो आई थिंक यू कैन बी रिलैक्स इन दिस इशू। एंड अगर लेडीज है जिनको बायोलॉजी चल रही है तो उनके बाद क्या, उनके लिए क्या कहेंगे डॉक्टर राजकिरण? लेडीज है लेडीज भी ले सकते हैं, स्पेशली दिस एंटी TNF अल्फा अगर आप देख रहे हो, एडेलिमेमैब के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो फिर इवन इन वुमेन इट इज कंसिडर्ड एज सेफ, यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी, देर इज नो प्रॉब्लम। हालांकि हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स है प्रेगनेंसी में कभी कभी थोड़ा ये पेल्विस का लिगमेंट्स स्ट्रेच हो सकता है, उसमें कभी कभी थोड़ा एंकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन भी कभी कुछ लोगों को बढ़ सकता है, उसमें भी हमने हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव यूज्ड बहुत कम पेशेंट्स को वी हैव यूज्ड एडेलिमेमैब। मतलब अपने पास ऑप्शन उतना नहीं रहेगा, मतलब ये जो एडेलिमेमैब है जो बहुत ये बड़ा मॉलिक्यूल है वो उतना प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, उतना प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा बेबी को, तो फिर इवन प्रेगनेंसी में हमने यूज़ किया, लेकिन एक्चुअली एक सेरेटोलिजिमैब बोल के एक अलग सा मॉलिक्यूल है वो जो अपने पास नहीं है इंडिया में, दे कंसिडर इज क्वाइट सेफ अगर कोई प्रेगनेंसी में प्लान कर रहे हो। लेकिन कहीं ऐसा कुछ पेशेंट्स है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। रूटीन तौर पर अगर बीमारी कम है तो फिर हम प्रेगनेंसी में दवाएँ अवॉइड करने के ही लिए देखते हैं, मतलब जितना हो सकता उतना प्रेगनेंसी में बहुत कम दवाएँ देते हैं क्योंकि वी रियली डोंट नो क्या होता है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो कभी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो फिर आप एडोलिमेमैब ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही ड्रग है जो मेथोट्रेक्सेट है, जो लेडीज़ को अगर आप लेडीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो, एक ही ड्रग है आपको ध्यान में रखना जो मेथोट्रेक्सेट है, और जो पेन किलर्स कभी कभी इनिशियली स्टेज में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो आप आपके डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, एडोलिमेमैब देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी मैं वापिस सबको बोलना चाहूंगा कि ये जेनरिक हम लोग का जनरल डिस्कशन है, आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके रूमेटोलॉजिस्ट को वेल इन एडवांस डेफिनेटली पूछ लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ TNF अल्फा ब्लॉकर जो है वो मेजॉरिटी ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। कुछ कुछ बायोलॉजिक्स का एक लिमिट होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले सकते, तो ये बेस्ट रहेगा कि आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिटेल में इसके बारे में बात कीजिए, प्रेग्नेंट होने के बाद नहीं, जब आप प्रेगनेंसी का सोचो तब भी बात कर लेना, सो दैट यू आर क्लियर कि कैसे प्लान आगे होगा। तो और इसके लिए ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी की गाइडलाइंस रिसेंटली आ चुकी है जो डिटेल में काफ़ी देती है कि कौन सा बायोलॉजी प्रेगनेंसी में कितने महीनों तक लिया जा सकता है। तो यस, बायोलॉजिक्स कैन बी टेकन, लेकिन यू शुड बी कंसल्टिंग योर रूमेटोलॉजिस्ट बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी एंड नॉट आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% शशांक, आई विल एग्री विथ यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इट्स नॉट जस्ट इन एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर हमारा मित्रों अगर उनके उनके फ्रेंड्स कोई है दूसरे टाइप ऑफ रिमेटिक डिजीज से सफ़र हो रहे हैं, जैसे लुपस है, रिमेटेड आर्थराइटिस है, कौन सा भी अगर आप उन्हों दूसरे अलग ही टाइप का रोमेटिक डिजीज से भी अगर सफ़र हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी प्लानिंग इज वॉट डिटरमाइंस द प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन, प्रेगनेंसी प्लानिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कौन सा भी रिमेटोलॉजिस्ट से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उनसे डिस्कस करना कि कैन आई बिकम प्रेग्नेंट नाउ, ये डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम अगर आप जैसे शशांक ने बोला है प्रेग्नेंट होने के बाद अगर आप डॉक्टर से जाकर डिस्कस करोगे तो फिर डॉक्टर को भी एक टाइप ऑफ अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में लाकर खड़ा रखता है वो कि कैसे आगे जाना बोल के। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपका बीमारी कम है, इफ़ यू आर क्वाइट नॉर्मल, इफ़ यू आर क्वाइट स्टेबल, ये हाँ ये टाइम है आपको प्रेगनेंसी प्लान करने का,
तो फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन आपको गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क करना पड़ता है ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। रिमेटोलॉजिस्ट को भी आप हर 2 महीने या 3 महीने में रेगुलर उनको टच में रहना चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी लकी। अगर आप अभी अपने देखो, अभी कुछ हाल ही कोविड के बाद में वी हैव बिकम सो इंटरैक्टिव ऑनलाइन, क्योंकि जब हम बुलाते थे प्रीवियस प्री कोविड एरा पेशेंट को, लेकिन 5वां महीना या 7वां महीना पेशेंट को आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी वी आर अभी हमने सीख लिया कि ऑनलाइन भी पेशेंट को इतने अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जो भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, आपके डॉक्टर से हमेशा संपर्क रहना चाहिए रिमेटोलॉजिस्ट से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा एंटी टीएनएफ देना है, ना तो पेन मेडिसिन देना है, कुछ भी देना है। तो जैसे शशांक ने बोला, दिस इज ए मतलब एक डिस्कशन, ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम कि आप जाकर आपके जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर उससे डिस्कस करो। आपका डॉक्टर बेहतर जानता है आपका आपका बारे में, क्योंकि बिकॉज ही इज़ ट्रीटिंग यू, ही इज़ फॉलोइंग अप यू। ताकि ये तो जनरलाइज व्यू है, लेकिन आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए आप, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू शशांक। मैं सोचा कि ये चीज़ को थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ता है अपने ऑडियंस को, सो आई थॉट आई हैव रिपीटेड मोस्ट ऑफ द थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्विक क्वेश्चन लेते हैं। शरद कुमार पति का क्वेश्चन है, बायोलॉजिक्स का अल्टरनेटिव क्या कोई एनएसएआईडी वगैरह नहीं है क्या जो बायोलॉजिक जितना इफेक्टिव हो? देखो, हर एक पेशेंट को तो बायोलॉजिक लगता नहीं, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट एनएसएआईडी एमआईआरडी से ही ठीक होते हैं। जिनका इससे ठीक नहीं होता है उन्हीं के लिए बायोलॉजिक है। तो बायोलॉजिक के उतना इफेक्टिव दूसरा कुछ शायद नहीं है। बायोलॉजिक डेफिनेटली एनएसएआईडी डीएमआरडी से ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो हर एक में तो नहीं लगता है। किसी का बेसिक सब चीजों से नहीं हुआ तो ही लगता है। नीलेश मुद्राले का भी क्वेश्चन है, इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग बायोलॉजिक्स व्हाट इफ वी टेक स्टीरॉइड्स एंड पेन किलर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन, बायोलॉजिक्स आर फार टू एक्सपेंसिव। देखिए नीलेश, हमें भी मालूम है कि बायोलॉजिक्स एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, लेकिन काफी लोग रहते हैं जिनका बेसिक दवाई से कंट्रोल में नहीं होता है, तभी जाके बायोलॉजिक्स का हम लोग सोचने लगते हैं। एंड सेकेंड, जो आपने पूछा कि वॉट इफ वी टेक स्टीरॉइड्स एंड पेन किलर्स, स्टीरॉइड पेन किलर्स है, दे आर गुड मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है लॉन्ग रन पे, तो वो भी देखना पड़ता है कि आपकी बीमारी अच्छे से कंट्रोल में भी हो जाए और आपको साइड इफेक्ट भी ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टीरॉइड लॉन्ग टर्म में लेने वाली दवा तो डेफिनेटली नहीं है। एनएसएआईडीज डेफिनेटली एंकिलोजिंग में लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड्स इतनी अच्छी नहीं है और काफी लोगों को लॉन्ग टर्म एनएसएआईडी लेकर के एंकिलोजिंग कंट्रोल में नहीं आता है, तब जाके हम लोग बायोलॉजिक का सोचते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। विकास कौशल का क्वेश्चन है, आई हैव बीन यूजिंग इंट्रासेप्ट डोज इन 15 डेज फ्रीक्वेंसी, इट दिस इज मोर इफेक्टिव ऑन नेक पेन एंड स्टिफनेस एज कम्पेयर टू लंबर एरिया एंड सेक्रोइल जॉइंट, व्हाई सो प्लीज क्लेरिफाई। डॉक्टर राजकिरण। विकास जी, लाइक इधर एक छोटा सा चीज है, इंट्रासेप्ट आप खाली इंटरसेप्ट डोज बोल के मेंशन किया है, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो तो फिर आप इंटरसेप्ट का स्पेसिफिक डोज अगर आप बोले तो विल गेट अ क्लियर आइडिया। इंटरसेप्ट जनरली 50 मिलीग्राम्स एंड 25 मिलीग्राम्स में मिलता है अपने को। 50 मिलीग्राम्स वीकली वंस देना पड़ता है, 25 मिलीग्राम्स वीकली ट्वाइस देना पड़ता है। ये बेसिक जो डोसेज आपका जो चल रहा है, मतलब वो थोड़ा मतलब आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट। मतलब एक इंटरसेप्ट जनरली साइंटिफिकली ऐसा नहीं है, मतलब कौन सा भी गाइडलाइंस या कौन सा भी प्रोडक्ट मोनोग्राम अगर आप देखते हो, दे डोंट टेल टू गिव इंटरसेप्ट वंस इन 15 डेज। एक एडलिमिमैब एक है, एग्जेम्शिया एक है, और एडफ्रार या जो भी है एग्जेम्शिया का मॉलिक्यूल जो है वो हम 15 डेज में एक बार देते हैं। उसका मतलब ये जो ड्रग प्रोटीन का जो हाफ लाइफ रहता है उसके ऊपर कैलकुलेट करके डिसाइड करते हैं वो कितने दिन में एक बार देना पड़ता है। तो फिर इंटरसेप्ट एक हफ्ते में एक बार लेने की ड्रग है। अगर आप 50 मिलीग्राम्स ले रहे हो, 25 मिलीग्राम्स का ले रहे हो, तो फिर हफ्ते में 2 दिन लेने का ड्रग है। अगर आप हफ्ते में 15 डेज में एक बार अगर आप ले रहे हो, तो शायद इसी का कारण उसका जो 100% इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है शायद, एक चीज़। दूसरा चीज़, हाँ कुछ पेशेंट्स को ऑफलाइन मतलब 15 डेज में एक बार कुछ पेशेंट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी गाइडलाइंस ऐसा नहीं बोलता है कि ऐसा लेना है। और कौन सा भी जो प्रोडक्ट इंसर्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट मोनोग्राम जो मैन्युफैक्चरर लीफलेट है, वो भी नहीं बोलता कि 15 दिन में एक बार लेना है। लेकिन ऐसा कुछ लोग बायोलॉजिक्स जो लेते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उनका जो बीमारी कम होते हैं उसमें कहीं डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि उसका दो चीज़ करते हैं, एक तो उसका डोज थोड़ा कम करते हैं, नहीं तो उसका इंटरवल थोड़ा बढ़ाते हैं। जो एक हफ्ता का लेने का मेडिसिन को 10 दिन या 15 दिन लेते हैं, उसमें भी पेशेंट कम हो जाते, मेंटेन कर देते हैं। मतलब उसका जो जो स्टेज है उसको लो डिजीज एक्टिविटी बोलते हैं।
जैसे पेशेंट्स ऐसा लो डिजीज एक्टिविटी फेज में चले जाते हैं, उस फेज में डॉक्टर्स ऐसा ट्राई करते हैं, मतलब ऐसा गाइडलाइंस है कि आप 15 दिन में ही लेना, 10 दिन में लेना, 20 दिन में लेना, वैसा बोल के नहीं है, एक हफ्ते का तो फिक्स है एंटासिड के लिए। लेकिन अगर आपका पेशेंट को, अगर आप वो कंफर्टेबल है 15 दिन में एक बार ले रहा और 20 दिन में एक बार ले रहा, वो कंफर्टेबल है, तो फिर वो ले सकता है। और रही आपकी क्वेश्चन, आपकी है, अगर मेरा आपको एक सूचना है जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट से जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं 15 दिन में एक बार लिए तो। अगर आप 50 मिलीग्राम्स ले रहे हो तो फिर मेरा सजेशन आपको 15 दिन के बदले आप 1 वीक को एक बार आ जाओ, जब तक आपके सिम्टम्स कम नहीं होते। या अगर आप 25 मिलीग्राम्स ले रहे हो तो फिर हफ्ते में 2 बार लेना। तो फिर ये एक बेसिक चीज़ है। दूसरा, कई सारे चीज़ें है, आपका जो बैक पेन है वो बेसिकली वो इन्फ्लेमेटरी पेन है, नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन है, ये आपका रूमेटोलॉजिस्ट क्लिनिकली डिसाइड करेगा क्या है कारण आपका बैक पेन के लिए। ये बीमारी ही आपका बैक पेन के लिए कारण है, दूसरा मैकेनिकल बैक पेन है। पेशेंट जब बोलता है वो बैक पेन बोलता है, डॉक्टर डिसाइड करता है ये बैक पेन, क्योंकि बैक पेन तो कई लोगों को होता है, सब लोगों को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। तो फिर डॉक्टर डिसाइड करता है आपका बैक पेन का वजह क्या। अगर आपका बैक पेन का वजह, अगर आपका रूमेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा हाँ आपका बैक पेन का वजह एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो फिर उसको थोड़ा डोज में तब्दीली करेंगे डॉक्टर। अगर डॉक्टर सोचेगा आपका, अगर आपका बैक पेन का वजह एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो फिर किसी और, किस वजह से वो दर्द हो रहा उस वजह का ट्रीटमेंट करने के लिए सोचता है। और अगर आप नहीं ले सकते तो फिर पेन मेडिसिन, आप फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी कर लेना चाहिए। तो कहीं सारे चीज़ है जो डॉक्टर आपके साथ लाइव डिस्कशन में इन्वॉल्व होगा, तो फिर ही कैन कम आउट विद अ बेटर सॉल्यूशन। यस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया डॉक्टर राजकिरण। तो विकास, एक आपके रूमेटोलॉजी से डिटेल में बात कीजिए कि जो पेन नहीं जा रहा है वो एंकिलोजिंग से है या और कोई रीजन है, और कोई क्या रीजन होते हैं। एक फाइब्रोमायल्जिया होता है, सेकेंड अच्छा से एक्सरसाइज नहीं होता है रेगुलर, उससे कभी हो सकता है, एंड थर्ड मैकेनिकल होता है, प्लेन सिंपल पोस्चर खराब है, सोने का प्रॉपर नहीं है उससे, एंड लास्टली डिस्क वगैरह कभी रहती है उससे भी हो सकता है। तो आपके रूमेटोलॉजी से डिस्कस कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आई एम श्योर ही गाइड यू। अगर एंकिलोजिंग की वजह से ही है तो डोज डेफिनेटली इंटरसेप्ट का बढ़ाना जरूरी होगा। एक सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी डॉक्टर राजकिरण ने कहा, एक्चुअली ये जो आपने बोला है 15 डेज फ्रीक्वेंसी है, क्या होता है दीज मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेंसिव, तो काफ़ी बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि थोड़ा डोज या आइदर डोज कम दे या उसका ड्यूरेशन हफ्ते की जगह पे 2 हफ्ते में दे, सो दैट आपको अफोर्ड भी होता है और इफेक्ट भी आता है। तो एक सिमिलर क्वेश्चन है जॉयदीप सहा का भी, कि इज देयर एनी प्रॉब्लम इन यूजिंग बायोलॉजिकल ऑल्टर्ड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एक्चुअल प्रिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी। तो उसके पीछे का रीजनिंग जॉयदीप ये है, हम लोग अफोर्डेबिलिटी देख के काफ़ी बार करते हैं, मेजॉरिटी रूमेटोलॉजिस्ट स्टार्टिंग फेज में जब तक एंकिलोजिंग कंट्रोल में नहीं आता है तब तक ऑल्टर्ड फ्रीक्वेंसी में नहीं देते, तब स्टैंडर्ड डोज में दिया जाता है, और एक बार एंकिलोजिंग अच्छा से कंट्रोल में आ जाए तब आइदर डोज कम करके देखा जाता है या तो फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। ये प्योरली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के वजह से है। और दूसरा शशांक, वन मोर पॉइंट, फाइनेंशियल एक चीज है, और दूसरा अगर आप मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देख रहे हो, अगर आप यूरोप में और एनएचएस मतलब यूके में अगर आप देख रहे हो, बहुत सारा फंडिंग जाता है या बायोलॉजिक्स पेशेंट्स को देने के लिए, और रिसर्च ये चल रहा है कि हाउ टू टैपर बायोलॉजिक्स या हाउ टू स्टॉप बायोलॉजिक्स। ये बहुत सारा मतलब बहुत खर्चा इन्वॉल्व है, मतलब खर्चा इनेविटेबल है, जैसे आपने बोला बहुत सारा प्रोसेस रहता है ये बायोलॉजिक बनाने में, तो फिर इसीलिए खर्चा इनेविटेबल है। तो फिर ये मतलब कैसा कम कर सकते हैं खर्चा, ये बहुत सारा मतलब जो गवर्नमेंट फंडेड कंट्रीज है जिसमें गवर्नमेंट देता है अपने पेशेंट्स को, वो भी सोच रहे हैं कि कैसा कम कर सकते हैं। तो इस दौरान एक जैसे शशांक ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर आप ऐसा डोसेस चेंज कर रहे हो या तो फिर आपका डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ सकता। क्यों बोले तो ऐसा डोसेस फ्रीक्वेंसी डोज चेंज ये सब कुछ क्लिनिकल रिसर्च में स्टार्टिंग फेज में वो लोग सब करे, सो दे हैव ट्राइड ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद में एक फिक्स्ड डोज एक फिक्स्ड रेजिम में हमको ये दवाइयाँ काम करते हैं बोल के पता चलने के बाद दे हैव टोल्ड अस ये रेजिम अगर आप दिए गए देंगे तो फिर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट भी होता है, साइड इफेक्ट भी कम होता है। तो फिर दैट्स व्हाट दे हैव टोल्ड, इसीलिए वी डोंट इंटरफेयर विद द डोज रेजिम एंड द डोसेस इनिशियली,
लेकिन आपका अगर बीमारी कम हो गया 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, अगर आप ठीक हो गए, लो डिजीज एक्टिविटी फेज में आप चले गए, तो फिर डेफिनेटली एक कॉस्ट जो इशू आता है उसमें, हालांकि हम इंडिया में ही नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी दे विल ट्राई, लेकिन इसका बहुत सारा रिसर्च चल रहा है आजकल, कैसे टैपर करना बायोलॉजी को, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे टैपर करना, उसका एक रिसर्च चल रहा है, लेकिन ऐसा अभी कोई भी फुल प्रूफ नहीं है कि सब लोगों को हम इजी तरीके से कर सकते हैं। वो पेशेंट को ऊपर डिपेंड रहता है, कहीं पेशेंट को ज़्यादा बीमारी रहता है, कुछ पेशेंट को कम बीमारी रहता है, एक्टिविटी किसी को ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है, तो एक केस बाय केस आपके जो रिमेटोलॉजिस्ट है वो देखकर डिसीजन लेता है कि कैसे करना। लेकिन स्टार्टिंग फेज में जैसे डॉक्टर शशांक ने बोला है, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग स्टेज में जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब डोज है, जब आप बायोलॉजिक इनिशिएट कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब डोज है उसी डोज पे चलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में यू शुड नॉट ऑल्टर द डोज। एक बार अगर आपका बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल, रेमिशन या लो डिजीज एक्टिविटी में आ गए, तो फिर आप डॉक्टर से डिस्कस करके देन वी कैन डिसाइड अबाउट व्हाट टू डू। एंड जो डॉक्टर राजकिरण ने अभी कहा, मैं वापस रिपीट करूंगा, आफ्टर स्पीकिंग टू योर रूमेटोलॉजिस्ट, खुद से प्लीज डोज कम ज्यादा नहीं कीजिए, दैट कैन हैव बिगर प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कॉस्ट वगैरह जो भी है आपकी, ऑब्वियसली डिस्कस कीजिए, ही विल गिव यू अ वे आउट। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजाहिद उल्ला का क्वेश्चन है, सर आई टुक 4 इंफीमैब इंजेक्शन ऑन शेड्यूल टाइम 18 मंथ्स बिफोर, नाउ आई एम ऑन SARS-500, हाउ लॉन्ग द इंजेक्शन इफेक्ट रिमेन्स इन द बॉडी, शुड आई टेक दीज इंजेक्शन अगेन, प्लीज सजेस्ट। देखो इसमें लाइक एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अभी मतलब ये जो दूसरे साइंटिफिक टर्म्स है और उसको हम स्टार्टिंग एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली एक लास्ट स्टेज अगर जो ये बीमारी में चले गया तो फिर उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली। हम जो अर्ली स्टेजेस में है उसको हम एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं या पेरिफेरल स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं। मतलब इसमें दो स्टेजेस रहते हैं, एक स्टेज जो है रेडियोग्राफिक डैमेज बोलते हैं, दूसरा स्टेज जो है नॉन रेडियोग्राफिक डैमेज बोलते हैं। मतलब ये क्या है रेडियोग्राफिक डैमेज, क्या है नॉन रेडियोग्राफिक डैमेज, तो फिर देखो डॉक्टर क्या करता है, कभी भी आपका बैक पेन है, अगर आपका सिम्टम्स जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी जो है ये बीमारी का बिगिनिंग स्टेज का नाम है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये लेट स्टेज का नाम है, क्योंकि इधर इधर ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं होना बोल के मैं और डॉक्टर एकरकर वी आर जस्ट सिंपली यूजिंग एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टर्म, क्योंकि बट अगर साइंटिफिकली इनडेप्थ अगर आप जाना चाहते हो तो फिर अर्ली स्टेजेस में उसको हम एक्सियल SPA बोलते हैं, जो एकदम बोन्स फ्यूज होता है वो टाइम पर AS बोलते हैं। देखो अगर ये रेडियोग्राफिक और नॉन रेडियोग्राफिक के डिस्कशन में अगर हम आए, तो फिर अगर आपको बहुत सारा बैक पेन हो रहा, बटक पेन हो रहा, सैक्रोलेग जॉइंट पेन हो रहा स्टार्टिंग स्टेज में, जो हम क्लिनिकली असेसमेंट करते हैं और फर्स्ट थिंग जो है सिंपल इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे करते हैं, एक्सरे में अपने को नॉर्मल दिखता है, वी सी सैक्रोलेग जॉइंट्स आर नॉर्मल। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में टू आइडेंटिफाई द डैमेज वी डू MRI। सो MRI में अपने को हमको बहुत क्लियरली वी कैन मेक आउट द इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, जो मतलब अंदर जो होता है कि मॉलिकुलर लेवल में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये टी सेल्स एक्यूमुलेट हो जाता है, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब एक्यूमुलेट होकर लॉट ऑफ साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, TNF अल्फा ऐसा, तो वो सब होता है। MRI में वो सब मॉलिक्यूल्स तो नहीं दे सकते, लेकिन उसका आउटकम जो वो जो क्या होता है, एक सिग्नल्स हम देख सकते हैं MRI में। तो MRI इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द डैमेज। अगर आपको MRI में दिख रहा है और आपको एक्सरे में नहीं दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन रेडियोग्राफिक डैमेज। ये थोड़ा अर्ली स्टेज है, ये जो पेशेंट्स ए स्टेज में रहते हैं उसका इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। मतलब उसको या 2 या 3 अगर आप इन्फीमैब इंजेक्शन दे दोगे तो फिर उसको एक बोलते हैं एक रिमिशन फेस। तो मित्रों ये याद रखना आप, ये बीमारी में 2 स्टेजेस रहते हैं, एक एक्टिव फेज रहता है और एक साइलेंट फेज रहता है। एक्टिव फेज को हम डिजीज एक्टिविटी या रिलैप्स बोलकर बोलते हैं, मतलब ये रेमिशन जो है वो साइलेंट फेज है, मतलब उसको आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होता। और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा स्टेज है जो रेमिशन रिलैप्स होता रहता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, मतलब कहीं साल अगर आप देखो तो पेशेंट को कुछ पेन ही नहीं रहता है और कुछ दिन के बाद एकदम सडन पेन होता है। और पेन क्यों होता है वो अलग से डिस्कशन है, पेन वापस क्यों होता है वो अलग से डिस्कशन है। पेन वापस आने का को हम रिलैप्स बोलते हैं। जो अगर आप बीमारी थोड़ा साइलेंट फेज में है उसको आप रेमिशन बोलते हैं। तो फिर मुजाहिद साहब ऐसे एक रेमिशन में चले गए, वो 4 डोसेस इन्फीमैब लेने के बाद एक ऑलमोस्ट एक 1.5 साल तक उन्होंने रेमिशन में चले गए।
तो रिमिशन से आप वापस, आपको रिलैप्स नहीं आने के लिए क्या क्या करना, वो अलग सा डिस्कशन है, वो आप वी कैन डिस्कस इट। मतलब इधर आपका जो पर्टिनेंट टू आपका क्वेश्चन जो है, शो शायद कुछ पेशेंट्स जो नॉन रेडियोग्राफिक एक्जियल स्पॉन्डलोर्थ्रोपैथी में रहता है, मतलब नॉन रेडियोग्राफिक एंक्लोजिंग स्पॉन्डलाइटिस, मतलब वो अर्ली स्टेज बोलते हैं, उसमें एमआरआई में दिखता है, एक्सरे में नहीं दिखता, ये जो पेशेंट्स जो है जो ऐसे कंडीशन में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो पेशेंट्स रेडियोग्राफिक डैमेज, जो एक्सरे पूरा उनका ख़राब है और डैमेज ज़्यादा है, मतलब बीमारी बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव बीमारी है, वैसा पेशेंट्स ऐसे कंडीशन में जाने का चांसेस बहुत कम रखते हैं। लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ पेशेंट्स डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ जो अर्ली स्टेज है, माइल्ड डिजीज मतलब नॉन रेडियोग्राफिक स्टेज है, दे कैन हैव दिस काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म रेमिशन। तो फिर वापस आपको रिलैप्स आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है, आपका डॉक्टर आपको असेस करना पड़ता है कि आप इन्फ्लिमैब लेने के बाद अगर आप सांस पे हो, अगर आप सिम्टम्स वापस नहीं आ रहे हो, अगर आप पूरी तरीके से रेमिशन है, मतलब क्लिनिकल रेमिशन, रेडियोलॉजिकल रेमिशन, सीरोलॉजिकल रेमिशन बोलते हैं, मतलब आपका ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल रहना चाहिए और आपका क्लिनिकल, आपका सिम्टम्स भी नॉर्मल रहना चाहिए। रेडियोलॉजिकल बीच में अगर आपको डाउट है तो फिर एमआरआई करके देखते हैं डॉक्टर आपका, तो फिर इसमें इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। तो फिर आप जो बोल रहे हैं आपका क्लिनिकल रेमिशन है, आपको सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, मतलब आपका बायोकेमिस्ट्री भी देखना है, रेडियोलॉजी भी देखना है आपका, ऐसा नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट अंदर ही अंदर डैमेज होता रहता है, उसको पता भी नहीं चलता, पेन महसूस ही नहीं होता, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसका एकदम से फ्यूज हो जाता, डैमेज हो जाता। इसीलिए एक डॉक्टर के साथ, एक रिम्यूटोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप, कम से कम हर 3-4 महीने में एक बार, अगर आप ठीक भी हो तो फिर हमारा सजेशन है कम से कम हर 3-4 महीने में एक बार आपके डॉक्टर से मिलो, डिस्कस करो, डॉक्टर मुझे तो सिम्टम्स नहीं है, क्या मेरा बीमारी बाहर से तो ठीक है, अंदर से भी वो ठीक है, वो जानना इम्पोर्टेंट। अगर आप कहीं तरीके का इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, उसमें आपको डॉक्टर बोल सकते हैं हाँ आपका बीमारी बाहर से भी ठीक है, अंदर से भी ठीक है, तो फिर आपको, आप रेमिशन में है, अभी आपको बायोलॉजिक्स की जरूरत नहीं है। तो फिर ये है एक डिसीशन फैक्टर। दूसरे देशों में देखे तो ऐसा 3-4 इंजेक्शन देखे बंद नहीं करते बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक वो लोग दूसरे देशों में कम से कम 2 साल या 5 साल तक देख के फिर उसका बाद में डोज कम करने का, बंद करने का सोचते, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारा ये बायोलॉजिक्स आर फंडेड बाई पेशेंट्स बाई देयर ओन, तो फिर इसीलिए डॉक्टर बहुत केयरफुली देखते हैं। हर 3-4 महीने के बदले में कभी कभी हम 1 महीने को भी बुलाते हैं पेशेंट को, 1.5 महीने को भी बुलाते हैं, देखने के लिए कि उसका बीमारी कम है, तो फिर उसका कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी अपने देश में अफोर्डेबल नहीं रहते बायोलॉजिक्स को, जो मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए हमको बायोलॉजिक्स से वो हम लेने की चाहते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिक्स कभी कभी आपके डॉक्टर जो है 3 डोज या 4 डोज लेके बोलते हैं कि चलो वेट एंड वॉच बोल के, लेकिन ये दूसरे देशों में नहीं होता। अगर आप दूसरे देशों के किसी फोरम में या किसी डिस्कशन में अगर आप जाते हो, इन्वॉल्व होते हो, तो फिर इस तरह का डिस्कशन दूसरे देशों का फोरम में नहीं होता है कि 3 बार दे दो 4 बार दे दो रोक दो बोल के। बिकॉज हम इंडिया में मिनिमम 3 डोसेस देने के लिए सोचते हैं। इन्फीमैप का तो मिनिमम 3 या 6 डोसेस बेटर है। रेमिशन 1 डोज या 2 डोज देकर बंद नहीं करना चाहिए, 3 से लेकर 6 डोज मिनिमम देखना है। तो फिर इसके बारे में जैसे डॉक्टर शशांक और मैं इंसिस्ट कर रहे हों कि ये शेयर्ड डिसीशन मेकिंग बोलते हैं हमारा साइंटिफिक लैंग्वेज में, आपके डॉक्टर के साथ बैठिए, डिस्कस करिए। सो वॉट एवर यू आर लर्निंग इन दिस मीटिंग इज ओनली टू एनहेंस योर नॉलेज, टू सिट एंड डिस्कस विथ योर डॉक्टर। कहीं सा डॉक्टर शशांक या मेरे प्रैक्टिस में मैं पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट बाहर वेटिंग करते हुए रहते हैं, क्योंकि उनका भी टाइम हमको ध्यान में देना पड़ता है। इसीलिए 5 या 10 मिनट के साथ हमको डिस्पोज करते हैं। अभी लगभग डॉक्टर शशांक है टुकन एफर्ट कि 1.5 घंटा 2 घंटा आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इतना टाइम डॉक्टर्स को कभी कभी आपको मिल नहीं सकता। सो दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फाइनल डिसीशन विल बी बिटवीन यू एंड योर ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट। काफी सारे और अच्छे क्वेश्चन भी है, आई एम श्योर मुजाहिद आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया रहेगा। 2 क्वेश्चन हम लोग साथ में लेंगे, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है एंड वी विल ट्राई टू गेट एन आंसर। एक क्वेश्चन है मिस्टर सुधीर व्यास का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई एम सुधीर, एज 34, आई एम एन एएस वॉरियर फ्रॉम पास्ट 8 ईयर्स। करंटली आई एम टेकिंग एडालिमुमैब फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर ऑन मंथली सिंगल डोज बेसिस, कैन आई यूज इट इन द लॉन्ग टर्म, ये एक क्वेश्चन है। एंड हर्षवर्धन का भी एक क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज इट सेफ टू टेक बायोलॉजिक्स लाइक फॉर 1 ईयर, and can it be stopped after 3 injections if pain has come down by 50% and then get on with DMARDs? Will that help? So shall I take it? Yeah. So yes. I think first question का जो हमारे मित्र ने पूछा है उसका तो almost we have answered in a
सिमिलर वे, जैसे वो अलग इट्स क्वाइट सिंपल, लाइक अगर आप 1 month के एडली में आपसे अगर आप कंफर्टेबल हो एंड आप क्लिनिकली नॉर्मल हो, सीरोलॉजिकली नॉर्मल हो, रेडियोलॉजिकली अगर आपका उतना बीमारी नहीं बढ़ रहा तो फिर यू कैन कंटिन्यू, तो फिर वो कोई इश्यू नहीं है. बिकॉज इवन रिकमेंडेशंस गाइडलाइंस में दे विल टेल दैट इफ यू आर टैपरिंग द डोज, एक सर्टेन डोज ऑफ बायोलॉजिक्स अगर पेशेंट आपका कंफर्टेबल है आप चालू रखो, तो फिर आपका डॉक्टर डिस्कस करेगा आपके साथ, फिर आगे भी कंटिन्यू करना नहीं करना आपका क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से दे विल डिसाइड. और दूसरा हर्षवर्धन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ सेफ इट इज़ टू यूज़ बायोलॉजिक्स इन लॉन्ग टर्म. क्योंकि अभी पहले कुछ जब बायोलॉजिक्स स्टार्टिंग में लाइक मॉलिक्यूल बायोलॉजिक्स स्टार्टिंग मार्केट में आए थे, तो बेसिकली ये एंटी टी एन एफ अल्फा है. एंटी टी एन एफ मतलब अगर आपका विस्तार करोगे आप टी एन एफ अल्फा का, उसका मीनिंग है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, मतलब ट्यूमर यानी कैंसर, नेक्रोसिस यानी उसको कैंसर सेल को ख़त्म करना फैक्टर ये जो है. तो फिर ये बेसिकली पहले रिसर्च में दे हैव थॉट दैट दिस इज अ पर्टिकुलर केमिकल जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स को किल करती है. मतलब हमारे बॉडी में अगर कैंसर सेल्स बन रहे हैं तो फिर ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो है ये कैंसर सेल्स को किल करता है. तो फिर ये एक इनिशियल जब रिसर्च में ये पता चला, लेकिन लॉट ऑफ रिसर्च बाद में आ गया है दिस इज़ नॉट द ओनली ओनली मॉलिक्यूल विच विल डिसाइड अबाउट कैंसर. ऐसा बहुत सारे थिंग्स है जो विल डिसाइड अबाउट द कैंसर सर्वाइवल एंड कैंसर प्रोग्रेशन. ऐसा नाम लगाया गया है पहले ही से, जैसे वो नाम लगाया गया वही चल रहा. जैसे किसी का नाम अगर हमारे यहाँ जब बालैया सिद्धैया ऐसा कुछ लगा दिया तो फिर वो बड़ा आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी वो नाम वैसा ही चलेगा, मतलब विल नॉट हैव. ऐसा कुछ नाम इनिशियली बनाया है ऐसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोल के, तो फिर इस नाम के दौरान देन लेटर ऑन दे हैव थॉट दैट ये क्या है, ये दिस इज प्रोड्यूसिंग कैंसर इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि इसको ब्लॉक कर रहे हैं. जो ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा है टीएनएफ अल्फा वो कैंसर को प्रिवेंट करता है, उसको हम स्टॉप कर रहे हैं. तो फिर ये दिस विल प्रोड्यूस कैंसर बोल के एक ऐसा सोच आकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है. 5 साल जो पेशेंट लिया है टीएनएफ अल्फा, हाल ही में 10 साल जो टीएनएफ अल्फा मतलब बायोलॉजिक्स जो लिया है मतलब एडलिमिमैब और एटनरसेप जो 10 साल तक लिया है उनमें भी रिसर्च करके ये पता चला कि जो पेशेंट 10 साल तक लिए है उनमें भी ऐसा कैंसर का कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. और दूसरा चीज़ है इम्पोर्टेंट ट्यूबरक्लोसिस. अपने देश में ये ट्यूबरक्लोसिस का बहुत ही इश्यू रहता है जब ये बायोलॉजिक्स लेते हैं, फिर ट्यूबरक्लोसिस अगर बॉडी में साइलेंट है तो फिर एक्टिवेट हो सकता है और नई तरीके से ट्यूबरक्लोसिस आ सकता है, एक एक चीज़ भी हो सकता है. तो ये सब अगर आपके डॉक्टर जो दे रहा है बायोलॉजिक्स ये सब ध्यान में रखते हैं कि आपको इन्फेक्शंस मतलब ट्यूबरक्लोसिस जैसा कहीं इन्फेक्शंस अगर आपको आ रहे तो फिर वो रोक देते बायोलॉजिक्स, और आपको ये मतलब कैंसर सारे वो देखते हैं. लेकिन आप यू कैन बी एश्योर्ड दैट अभी तक जो डेटा हमको मिला है उससे ये तो मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में यूज़ करते हैं 10 साल यूज़ करते हैं बायोलॉजिक्स, 12 साल 15 साल जो यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिक्स, उनमें लॉन्ग टर्म यूसेज में कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं दिखा जो नॉन यूजर्स में है. वी हैव टू कंपेयर बिटवीन टू ग्रुप्स, यूजर्स एंड नॉन यूजर्स. अगर आप नॉन यूजर्स में देख रहे हो और यूजर्स में कंपेयर कर रहे हो तो फिर यूजर्स ऑफ बायोलॉजिक्स में उतना बड़ी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ है. और दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बायोलॉजिक्स लेने के मेरा किडनी के ऊपर असर नहीं होता, मेरा लिवर के ऊपर असर नहीं होता, मेरा हार्ट के ऊपर असर नहीं होता. नहीं, लॉन्ग टर्म रिसर्च में ये पता चला कि बायोलॉजिक्स से ये किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हार्ट का कुछ इश्यूज नहीं है. लेकिन किसी और चीज़ की वजह से अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, तब अगर आप बायोलॉजिक देना चाहते हो डॉक्टर सोचता है. तो फिर बायोलॉजिक डायरेक्टली आपका किडनी के ऊपर लिवर के ऊपर हार्ट के ऊपर डैमेज करता बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिर बायोलॉजिक का एक ही इश्यू है जो डॉक्टर्स आर वेरी मच वरीड, वो है इन्फेक्शंस. तो और थोड़ा बहुत कैंसर का स्टार्टिंग में तो एक डेटा था, लेकिन अभी कैंसर का उतना कुछ इश्यू नहीं है. तो मेन इश्यू एक है बायोलॉजिक्स जब डॉक्टर हम देखते हैं तो फिर आपको इन्फेक्शंस, क्योंकि टीएनएफ अल्फा हमको हमारा बॉडी को इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा काम आता है, तो फिर इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं. तो फिर आपको इन्फेक्शंस आ रहा नहीं आ रहा ये एक चीज़ है हम देखते हैं. तो लॉन्गिविटी में दिस विल डिसाइड कि वेदर आपको लॉन्ग स्पैन देना है नहीं देना. और आपका बीमारी अगर रेमिशन में चले गया तो फिर लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं, यही क्यों डॉक्टर और आप बैठकर ये डिसाइड करना पड़ता है कि लॉन्ग रन में लेना है या नहीं लेना है. अगर लिए तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा तो फिर आपका डॉक्टर चेंज करता है. और डॉक्टर दो चीज़ का ध्यान में रखता है लॉन्ग टर्म में जब देता है. एक चीज़ मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, एफिकेसी और सेफ्टी. ये दवाई अगर काम नहीं कर रहा तो फिर क्या मतलब है बहुत लॉन्ग लेने में. और सेफ्टी, अगर ये दवाई सेफ नहीं है मगर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहा तो फिर ये डॉक्टर नहीं देगा.
तो फिर इसीलिए जब भी आप बायोलॉजिक्स में हो, कभी कभी आज तो मार्केट में बायोलॉजिक्स मिल रहा है, पेशेंट कभी कभी ऑनलाइन में भी ऑर्डर कर रहा है, किसी कंपनी का मैनेजर के साथ मिलकर बातचीत करके बायोलॉजिक्स ले रहा है, लेकिन ये दिस विल नॉट एनकरेज, ऐसा कभी भी नहीं लेना है। बायोलॉजिक्स शुड बी टेकन एज पर योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक्स ले रहे हो, कई कोई कुछ पेशेंट मेरा बोलता है डॉक्टर साहब मैं 4 साल से 5 साल से ले रहा हूँ, मैं मंगवा के ले रहा हूँ बायोलॉजिक, अभी 6 महीने तक तो जो आपने बोला हुआ मैं ले रहा हूँ, अभी बोलो मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं करना। अगर आप बायोलॉजिक प्रिस्क्रिप्शन पे हो, ध्यान में रखना मिनिमम हर 3 महीने में एक बार आपके डॉक्टर से मिलो, कुछ टेस्ट कराओ, डॉक्टर से पूछो, क्योंकि आपको जब आपको पता चले कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा अंदर वो कभी लेट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक्स पे हो, आपके डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और लेना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हम लोग इसको बोलते हैं ऑटो पायलट पेशेंट्स। आपकी डिजीज कंट्रोल में है कि नहीं वो देखना जरूरी है, अगर कंट्रोल में तो शायद हम लोग उसका डोज भी कम करेंगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक ऐसे ही बिना दिखाए खुद से चालू कर रखना, एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक बार, या तो जैसे आपके रूमेटोलॉजिस्ट ने आपको गाइड किया उसके हिसाब से उनको जरूर मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस, प्रीति सिंह का क्वेश्चन है, शी वांट्स टू नो अबाउट साइड इफेक्ट्स, और सूरज चौरसिया का क्वेश्चन है बायोलॉजिक्स एंड इन्फेक्शन। दोनों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन जो है इट इज टोटली डेडिकेटेड टू इन्फेक्शन एंड साइड इफेक्ट, तो उसमें हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन जरूर सुनिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूंगा अगेन जोगिंदर यादव, सर मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हूँ, 2 साल से सिंपली गोलिलुमैब ले रहा हूँ, ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन अब ये इंजेक्शन मेरे शरीर में काम नहीं कर रहे, कृपया मार्गदर्शन करें। आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू नो, वेयर कैन आई टेक इट शशांक। Yes, please, please. So, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं कि 2 साल से आप गोलिनुमैब ले रहे हो और अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमारा सर पहले तो बहुत अच्छा काम करा, अभी लिए तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये जैसे मैं इंजेक्शन लिया कुछ पानी लिया कुछ से असर ही नहीं है इसका, तो फिर ये इसका कहीं तरह का रीज़न रहते हैं ये प्रॉब्लम बायोलॉजिक्स में आने के लिए। जैसे मैंने आपको मेरा प्रेजेंटेशन में बोला, बायोलॉजिक एक प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन बॉडी में लाइक दिया जाता है, कि बेसिकली कभी भी क्या होता है कोई भी प्रोटीन बॉडी में जाता है तो बॉडी विल ट्राई टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एंटी प्रोटीन स्टूट या एंटीबॉडीज बोलते हैं, तो फिर ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन लाइक पता चला है कुछ रिसर्च में कि कहीं पेशेंट्स जो ये बायोलॉजिक्स लेते हैं उसको उनको कुछ दिन के बाद ये एंटीबॉडीज हो सकते हैं उनके बॉडी में, इस प्रोसेस को इम्यूनोजेंसिटी बोलते हैं, तो फिर एंटी ड्रग एंटीबॉडीज बोलते हैं इसको, मतलब ये एक वन ऑफ दी एक्सप्लेनेशन है क्योंकि क्यों ये ड्रग काम नहीं करता हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि क्या होता बॉडी ये लेने कहीं साल के बाद कुछ दिन के बाद लेने के बाद बॉडी विल प्रोड्यूस समथिंग विच विल गो एंड ब्लॉक दिस ड्रग। जैसे आपके बॉडी में ये घुसता है प्रोटीन, जैसे आपको दवाई मिलता है बॉडी में एक एंटीबॉडीज रेडी रहता है, वो जाकर चिपक जाता है उससे, तो दैट विल मेक देम इनएफेक्टिव। जैसे कोई भी ऐसा आदमी आ रहा आपको जो बीच में दूसरा आदमी जाकर उसको शील्ड करता है, उसको ही विल नॉट अलाउ हिम टू रीच टू यू, तो फिर ऐसे तरीका एक एंटी ड्रग एंटीबॉडीज बोलते हैं, इम्यूनोजेंसिटी बोलते हैं, तो फिर दिस कैन फॉर्म ओवर ए लॉन्ग टाइम व्हेन यू आर गिविंग इन बायोलॉजिक्स। और इसमें अगेन कहीं तरीके का बायोलॉजिक्स है, उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, कुछ को फ्यूजन इनहिबिटर्स बोलते हैं, जैसे क्योंकि कहीं तरीके ड्रग्स है, जैसे गोलिमुमैब एक तरीके से काम करता है, इन्फ्लिक्समैब एक टाइप से काम करता है, एडोलिमुमैब और एम्ब्रेल एटनरसिप एक तरीके के काम करता है, तो डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट टाइप से एंटीबॉडीज जनरेट करता है, और कुछ ज़्यादा जनरेट करते हैं कुछ कम जनरेट करता है, एक चीज़ है। और देर आर कैसे कुछ लोग भी रहते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है ड्रग्स के अगेंस्ट, कुछ लोगों में एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं रहता, एक अलग फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर क्या होता है कि पहले जब हम और शशांक ने डिस्कस किया है, जब हमने बोला है आपको कि कुछ दिन के बाद मतलब 6 महीने या 1 साल 2 साल के बाद क्या करते हैं, कॉस्ट के कारण हम ड्रग को स्पेसिंग करते हैं, मतलब अगर आप गोलिनुमैब पहले प्रिस्क्राइब डोज महीने में एक बार लेने का है, कुछ दिन के बाद अगर आप ठीक हो तो फिर 1.5 महीने में एक बार ले रहे हो, तो फिर 2 महीने में एक बार ले रहे हो,
तो फिर ऐसा गैप बढ़ाने की वजह से या डोज कम करने की वजह से भी एंटीबॉडीज का उत्पत्ति हो सकता है बॉडी में। मतलब दिस इज नॉट ए वन सिंगल एक्सप्लेनेशन, देर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। देर आर एंटीबॉडी प्रोडक्शन मे बी मोर इन सम पीपल बिकॉज द स्पेसिंग कैन कॉज एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो फिर ये एक इम्यूनोजेंसिटी बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो मेडिसिन को ब्लॉक कर देती है हमारे बॉडी में जाने के बाद। तो फिर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है कि मैंने मैंने बोला कि TNF अल्फा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये वही हम बोलते हैं एक की प्लेयर है साइटोकाइन्स में, बहुत कई सारे चीज रहते हैं। TNF अल्फा इज अ की प्लेयर जो जिसके कारण ये बॉडी में ये सब बीमारी का लक्षण हमको दिख सकते हैं। तो फिर इसको ब्लॉक कर रहे हैं, जो आप गोलिमिमैब जो है वो TNF अल्फा ब्लॉकर है, तो फिर आप TNF अल्फा को आप ब्लॉक कर रहे हो। तो फिर अगर देर कैन बी IL-17 बोलते हैं उसको, सेकुकिनुमैब। अभी हाल ही रिसर्च, पिछले 2-3 साल के रिसर्च में ये पता चला कि TNF अल्फा के साथ IL-17 भी एक इम्पॉर्टेंट साइटोकेन है। तो फिर डॉक्टर्स ये ट्राई कर सकते हैं, देखो अगर TNF अल्फा को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर चुके हैं, अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है, मतलब एंटीबॉडीज टेस्ट करने का जो स्टैंडर्डाइज मेथड अभी भी नहीं है इंडिया में, वो एक रिसर्च लेवल पे ही है, लेकिन एक स्पेकुलेशन, ये एक चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ डॉक्टर सोच सकता है, आई हैव ब्लॉकड कम्प्लीटली एंटी TNF, मतलब TNF अल्फा को पूरी तरह से मैंने ब्लॉक किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको प्रॉब्लम हो रहा, तो फिर शायद TNF अल्फा इज नॉट अ की प्लेयर इन हिम। TNF अल्फा साइलेंट हो चुका है, शायद IL-17 ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर रहा है इसमें। बोल के डॉक्टर्स कैन चेंज गलेमिमैब को, चेंज कर सकते हैं आपको कि IL-17 ब्लॉकर, मतलब स्कैफो या सेकुकिनुमैब को, ये एक प्रक्रिया है जो डॉक्टर्स कर सकते हैं। और डॉक्टर सोचता है कि आपको गोलिमिमैब को एंटीबॉडीज हो गया, तो फिर देखे पिछले जब IL-17 नहीं था 2 साल या 3 साल पहले, तो फिर डॉक्टर डिफरेंट ड्रग देते थे, मतलब गोलिमिमैब को छोड़कर आपको एम्ब्रिल देते थे या एडलिमिमैब देते थे। सो ऐसे डिफरेंट डॉक्टर आपके साथ बैठकर आपको डिस्कस करेगा आपके कंडीशन के हिसाब से। अगर आपको गोलिमिमैब काम नहीं कर रहा, डेफिनेटली हम तो एक चीज़ तो बोल सकते हैं, अगर आपको गोलिमिमैब काम, बहुत ही एक्सपेंसिव दवा है, 40-50 हज़ार का इंजेक्शन है, अगर आप गोलिमिमैब आपको काम नहीं कर रहा, एक डोज काम नहीं कर रहा, तो फिर सोच सकते हैं शायद कोल्ड चेन प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी, क्योंकि ये कोल्ड चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है। कोल्ड चेन प्रॉपर तरीके से आप, अगर आपका जो सप्लायर जो है, अगर आप कोल्ड चेन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेगा, तो फिर वो हो सकता है, लेकिन एक बार हो सकता है। अगर आपको दूसरी बार भी अगर आप नहीं हो रहा, तीसरी बार भी नहीं हो रहा, तो फिर शायद वो कोल्ड चेन का मसला नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो फिर 2 या 3 बार अगर आपको ड्रग काम नहीं करेगा, दिस इज अ टाइम टू चेंज इट। ईदर यू हैव टू चेंज इट टू एंटी TNF अल्फा, दूसरा एंटी TNF, या ईदर यू हैव टू चेंज इट टू IL-17। ये आपके डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ जो शशांक ने बोला है, मैंने ही भी बोला है, आपका जो पेन है वो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है या किसी दूसरे चीज़ का पेन है, या डिस्क या पोस्चर रिलेटेड या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब पहले डॉक्टर को डिसाइड करना है कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है या नहीं है। पहले ये डिसीजन लेने के बाद फिर डिसाइड करना कि ये दवाएं काम नहीं है कर रहे या नहीं कर रहे, फिर उसके बाद में दूसरा एंटी TNF लगाना है या IL-17 लगाना है, एंटी IL-17 लगाना है। तो फिर ये डिफरेंट स्टेप्स है जो डॉक्टर्स आपके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। और हाल ही के रिसेंटली कुछ डेटा है कि टोफासिटिन बोल के एक स्मॉल मॉलिक्यूल, वो भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, लेकिन उसका रोबस्ट डेटा नहीं है जितना IL-17 या एंटी TNF का है। तो फिर वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर ये दोनों फेल हुआ तो, लेकिन ये क्योंकि एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो फिर इसके आपके डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस करके इसका कुछ हल निकालना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसा, और काफी डिटेल में आंसर दिया। मैं सिर्फ जो जो बायोलॉजी की एंटीबॉडीज है उसका थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूंगा। देखो अल्टीमेटली जैसे हम लोग काफी टाइम से कह रहे हैं ये प्रोटीन है, तो जब हम लोग ये बॉडी में देते हैं इंजेक्शन, तो ये प्रोटीन भी बॉडी के लिए तो फॉरेन होती है, तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आइडेंटिफाई करती है कि कुछ तो फॉरेन बॉडी में गया है, तो बॉडी उसको किल करने के लिए, जो भी प्रोटीन है उसको बॉडी से निकालने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज बनाती है। ये हर एक केस में होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैन्युफैक्चरर्स है, कंपनी ट्राई कर रही है कि जो बायोलॉजिक है वो एकदम बॉडी से, ह्यूमन के प्रोटीन से मिलता जुलता बनाया जाए ताकि एंटीबॉडीज कम हो, लेकिन फिर भी एंटीबॉडीज तो बनती है। समझो किसी को 50 mg डोज दिया गया और उसकी एंटीबॉडी 1 या 2 mg के डोज को पूरा डिस्ट्रॉय कर रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर एंटीबॉडीज बढ़ती जाए और किसी को 50 mg का डोज दिया है और उसमें से 30-35 mg की जो क्वांटिटी है वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करने लगे, तो ऑब्वियसली फिर बायोलॉजी का इफेक्ट कम होता है।
और जैसे डॉक्टर राजकिरण ने कहा, फिर आपको ऑब्वियसली ये रिपोर्ट करना है आपके रूमेटोलॉजिस्ट को, और रूमेटोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि ये और कोई रीजन से हो रहा है, क्या रीजन से हो रहा है, एंड देन सब्सिक्वेंटली मेबी बायोलॉजी कैन बी चेंज। कुछ क्विक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सुधीर गोरे का क्वेश्चन है बायोलॉजिक्स का कॉस्ट कितना है। स्वप्निल गवई का क्वेश्चन है कि लो कॉस्ट बायोलॉजी कितना है। देखो बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिक्स है, और ये आई थिंक बेस्ट रहेगा कि आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करो कि आपको कौन सा बायोलॉजिक बेस्ट लगने वाला है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, और उसमें से फिर कॉस्ट वाइज उनका क्या कहना है, वो दैट विल बी अ बेटर रादर देन डिस्कसिंग इट हियर। क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिक्स है, हर एक का कॉस्ट अलग है, स्टेट टू स्टेट भी काफी बार कॉस्ट चेंज होता है, पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स रहते हैं, तो इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। जॉयदीप साहा का क्वेश्चन है, इज देयर अ फेयर कंपैरिजन और साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल बिटवीन इंटरलेकिन 17 एंड टीएनएफ ब्लॉकर इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी। जॉयदीप, दोनों मॉलिक्यूल्स के अपने अपने स्टडीज है, लेकिन दोनों को साथ में देखकर किसी ने अभी तक इतना चेक नहीं किया। हेड टू हेड स्टडी बोलते हैं हम लोग, कि कुछ लोगों को इंटरलेकिन 17 ब्लॉकर दिया जाए, कुछ लोगों को टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर दिया जाए, और फिर उनके में से बेस्ट क्या है वो चूज किया जाए, देखा जाए। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज आज के दिन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्टडीज डेफिनेटली है। कौशिक अंजुम का क्वेश्चन है, इफ एस पेन इज अंडर फुल कंट्रोल बाय टेकिंग डीमार्ट्स, इज इट नेसेसरी टू टेक बायोलॉजिक्स? डेफिनेटली नॉट। हमने ये पहले ही डिस्कस किया, हर एक को बायोलॉजिक नहीं लगता है। अगर आपकी बीमारी डीएमआरडीज एनएचएलडीज एक्सरसाइज वगैरह से नहीं कंट्रोल में आ रही है, तभी जाके हम लोग बायोलॉजिक का सोचते हैं। तो हर एक को तो बायोलॉजिक ऑब्वियसली नहीं लगेगा। उत्कर्ष अग्निहोत्री का क्वेश्चन है, आई एम ऑन बायोलॉजिक सिंस 1 ईयर, हाउ कैन वी नो दैट द बायोलॉजिक इज स्टिल वर्किंग इफेक्टिवली? सी, एक तो आपको पेन नहीं होगा, एनएसीआईडी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आप इन्फर कर सकते हो, और आपके रूमेटोलॉजिस्ट को देखेंगे तो वो अपने सेट ऑफ थिंग्स, एक तो क्लिनिकली हम लोग देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ईएसआर सीआरपी है, और कभी जरूरत पड़ा तो एमआरआई, ये सबसे कंफर्म हो सकता है कि बायोलॉजिक इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके साइड से अगर पेन नहीं सेटल हो रहा है बायोलॉजिक लेने के बाद भी, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, और आपको ये ऑब्वियसली रूमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे तो डिटेल मिल जाएगा। नीलेश मुद्राले का क्वेश्चन है, इन अ वीडियो आई हैव सीन दैट कुछ स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ बायोलॉजिक्स, डू बायोलॉजिक्स हैव सच साइड इफेक्ट्स? नीलेश, ये जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट पूरा जो सेशन है वो साइड इफेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो हम लोग इसको डेफिनेटली वहां आंसर करेंगे। अमित कॉल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट बायोलॉजिक्स? ये भी अमित नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। हमने ये डिवाइड किया सो दैट वी आर एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजिक्स के इतने क्वेश्चन है कि वो 1.5 घंटे में सॉर्ट आउट करना इजी नहीं, इसीलिए वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस, और ये डेफिनेटली आपका अगले बार हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सत्येंद्र कुमार, इज एग्जेम्पशिया बायोसिमिलर और बायोलॉजिक? इट इज अ बायोसिमिलर, नॉट द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ओरिजिनल या इनोवेटर, ओरिजिनल भी नहीं, हम लोग इनोवेटर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ह्यूमिरा करके है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। एग्जेम्पशिया इज द फर्स्ट बायोसिमिलर ऑफ एडालिमुमैब या ह्यूमिरा। नरेश साहू, फ्यूचर में बायोलॉजिक्स की रेट कम हो सकती है क्या? डेफिनेटली, जैसे सेल बढ़ेगा, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे डेफिनेटली कॉस्ट कम होगी। डॉक्टर राजकिरण ने जस्ट स्टार्टिंग में ही कहा, जब हम लोग 10 साल पहले बायोलॉजी देते थे उस समय की कॉस्ट और आज की कॉस्ट काफी डिफरेंस है, आज कॉस्ट काफी कम हो गई है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस फॉर डॉक्टर राजकिरण, वरुण टीएमवी हैज आस्क्ड, हाउ लॉन्ग शुड द बायोलॉजिक्स बी स्टॉप इफ प्लानिंग फॉर सर्जरी? ना, ऐसा अभी कई तरीके बायोलॉजिक्स है ना, डिफरेंट बायोलॉजिक्स का डिफरेंट हाफ लाइफ है। मतलब अगर आप गुलिमिमैब ले रहे हो, जिसका अगर आप नेक्स्ट डोज मतलब अगर आप ले रहे हो तो फिर 1 महीने पहले रोकना चाहिए। एडोलिमिमैब है तो फिर वो 15 दिन का है, तो फिर आप ये भी 4 हफ्ते के बाद रोक सकते हैं, 4 हफ्ते रोक के फिर उसके बाद में यू कैन गो फॉर सर्जरी। और एटनारसेप्ट है, ये भी 2 हफ्ते के बाद रोकने के बाद यू कैन गो फॉर सर्जरी। और इसमें सर्जरी का 2 तरीके का सर्जरी रहते हैं बेसिकली, एलेक्टिव सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी रहते हैं। अगर आप इलेक्टिव सर्जरी के जा रहे हो, अगर आप इलेक्टिव सर्जरी और इसमें भी, तो फिर डे केयर सर्जरी रहता है, सिंपल माइनर सर्जरीज रहता है और मेजर सर्जरीज रहता है। अगर आप किसी भी इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हो तो फिर वी हैव टू स्टॉप इट लाइक दैट। मतलब कम से कम एटनारसेप्ट तो 1 हफ्ता का डोज स्किप करना पड़ता है, और कोई भी एक डोज अगर आप ले रहे हो तो दैट यू हैव टू स्किप एटलीस्ट मिनिमम एक 2 वीक्स का गैप तो देना पड़ेगा आपको एटनारसेप्ट को। एडोलिमिमैब को तो 4 वीक्स इज बेटर, गुलिमिमैब भी 4 वीक्स से ऊपर गया तो बेटर है, और इंफ्लेक्स में भी वैसे ही।
तो फिर इट इज़ बेटर टू स्टॉप एटलीस्ट मोर देन डबल द हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग्स बोल के बोलते हैं हम नॉर्मली। तो फिर इसमें एक मैंने बोला ना, अगर आपको इमरजेंसी सर्जरी होना चाहिए, अगर आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये इमरजेंसी कैटेगरी में आता है। इस इमरजेंसी कैटेगरी में बिकॉज वी कांट, ऐसा नहीं कि सर्जरी को डिफर नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रैक्चर, बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया आपको, आपको सर्जरी कल ही करना है, तो फिर आप वी कांट टेल दैट डॉक्टर विल नॉट टेल दैट बिकॉज यू आर गोइंग ऑन बायोलॉजिक्स आई विल स्टॉप बोलते। तो प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन बेसिकली वाई यू आर प्लानिंग टू स्टॉप बायोलॉजिक्स बोलते। कभी कभी बायोलॉजिक्स अगर पेशेंट को सर्जरी के दौरान या सर्जरी के पहले, इमिडिएट पहले अगर दिया, तो फिर देर आर चांसेस उनका वुंड हीलिंग प्रॉब्लम हो सकता, उसका वुंड के थ्रू इन्फेक्शन हो सकते। ये बोलकर वील जस्ट टेल दैट बायोलॉजिक्स शुड बी बेटर इफ दे आर स्टॉप्ड बेसिंग अपन द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो फिर दूसरा चीज क्या है बोले तो इसमें अगर आप इलेक्टिव सर्जरी, जैसे आप रिप्लेसमेंट करना था, जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब हिप रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, नी रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, ये इलेक्टिव सर्जरी की कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे इलेक्टिव सर्जरी में ऐसा बेसिंग अपॉन द ड्रग व्हाट यू आर टेकिंग, इसमें 2 हफ्ते या 4 हफ्ते या 6 हफ्ते का गैप ले लेके, देन यूजुअली मैक्सिमम ड्रग्स इट्स बेटर वी से ऑन एन एवरेज 1 मंथ को रोकना पड़ेगा। तो फिर ये एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखने के लिए। पहले अगर आप सर्जरी के बारे में पूछ रहे हो तो फिर यू हैव टू कंसिडर लाइक वॉट काइंड ऑफ सर्जरी, इलेक्टिव या एमरजेंसी। इलेक्टिव मतलब बेसिकली हमारे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स, दे विल अंडरगो हिप रिप्लेसमेंट्स, नी रिप्लेसमेंट्स, ये उनके लिए इलेक्टिव होता है। उस दौरान बेटर है, सेफ साइड है, अगर हम रोके तो फिर इन्फेक्शन होने का चांस भी कम रहता है, वुंड हीलिंग भी अच्छा होता है। True. So most important moral of the story, इसमें definitely अगर elective है तो सोच के plan करके कर सकते हैं, emergency में without बिना रोक के जब emergency है तो करना ही है surgery. Most important in both the cases, get your rheumatologist involved. अगर आपको planned surgery है पहले से उनसे बात कीजिए, so that he can plan it out कि कितने दिन पहले बंद करना है, कब वापिस चालू करना है, best time क्या है biology देने के बाद, वो देख सकेंगे। और अगर इमरजेंसी सर्जरी तो ऑब्वियसली करनी है, लेकिन एटलीस्ट एक ओपीडी में कॉल करके उनसे डिस्कस डेफिनेटली कर लीजिए कि कब नेक्स्ट इंजेक्शन ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेना है, तो दैट विल ऑलवेज बी अ गुड आइडिया। अगेन सम इम्पॉर्टेंट कुछ क्विक क्वेश्चन लेते हैं, इनफैक्ट देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन। कैन बायोलॉजिक्स बी टेकन बाय सेल्फ, इट विल बी काइंड ऑफ यू इफ यू एडवाइस मी द मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड, नहीं ऋतिका बर्तन रॉय, नहीं दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म एक्चुअली वी आर हियर। और एनीवे अक्रॉस द ग्लोब खुद से तो नहीं लेना है बायोलॉजी, ऑब्वियसली यू हैव टू बी सीन बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल। एंड शशांक, नॉट ओनली बायोलॉजिक्स, फॉर दैट मैटर एनी मेडिसिन यू शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट, डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स इन इट, डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट्स, क्योंकि हेल्थ का मामला है, रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे नहीं है कि ये टेक्निकल मामला है, जैसे सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, दिस इज हेल्थ एंड ईच पर्सन बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। टॉक टू योर डॉक्टर, चूज योर डॉक्टर। अपने को इंडिया में वी आर लकीली लाइक वी आर डेमोक्रेटिक नेशन, अपने पास इतना अच्छा है, एक एक सिटी में यू विल हैव लॉट ऑफ डॉक्टर्स, यू विल फाइंड, यू कैन चूज योर डॉक्टर, यू कैन गो टू हिम। जैसे वेस्ट में अगर आप देख रहे हो जो गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स रहते हैं, यूके में और यूरोप में और यूएस में भी जो इंश्योरेंस बेस्ड हॉस्पिटल्स रहते हैं, उनको उतना चॉइस नहीं रहेगा। मतलब इफ़ दे टेल दैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन दे हैव टू गो टू दिस डॉक्टर, दिस हॉस्पिटल, यही आपका अंडर बोले तो दे हैव टू गो देयर ओनली। इंडिया में इट्स वी आर वेरी लकी इन इंडिया दैट यू हैव मल्टीपल डॉक्टर्स। अगर आप क्योंकि कौन सा भी डॉक्टर से अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विथ योर डॉक्टर, यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड डिस्कस विथ हिम एंड शेयर योर ओपिनियंस, क्योंकि इतना अच्छा माहौल है। वी आर वेरी लकी इन इंडिया, हमारा हेल्थ केयर जो है लाइक इतना दी ही, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मल्टीपल डॉक्टर्स। अगर आप मिल सकते हो डॉक्टर से, आप डिस्कस कर सकते हो, यू कैन चूज योर डॉक्टर, यू कैन यू ऑल्सो यू हैव एन ऑप्शन टू चूज योर डॉक्टर। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज अगर अपने पास है तो फिर ये सेल्फ मेडिकेशन क्यों करने पे, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बहुत बहुत ही नुकसान है, आपको मालूम नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला बायोलॉजिक्स के बारे में, सो आई हैव ट्राई टू शो यू एंड आई ट्राई टू शो इन माई प्रेजेंटेशन अ वेरी सिंपलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग। शशांक भी बोला है कहीं कहीं का स्टेजेस होते हैं, और हमारा ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, डॉक्टर्स को भी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कहीं दवाइयाँ कहीं पीपल में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नॉट ओनली दिस, मैं दूसरे अपने मित्रों को भी बोलता हूँ, स्प्रेड दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड फैमिली दैट नेवर एवर सेल्फ मेडिकेट।
ट्राई टू डिस्कस विद अ पर्सन लाइक इज अ डॉक्टर हुज योर फैमिली डॉक्टर रहेगा सब लोगों को डिस्कस विद हिम हैव अ डायलॉग देन ओनली यूज एंड काइंडली हियर बेसिकली वी आर नॉट इंटेंडिंग टू सजेस्ट यू एनी टेस्ट और एनीथिंग हियर इट्स ओनली टू make you clear and make you understand better about this disease and these drugs. True. Art by Mitesh ka question hai infliximab TB ke bare mein. I think Mitesh join us next in the next session. Next session mein iske upar detail baat hone wali hai. Satendra Kumar ka question hai. He has been taking Exemptia since I think 1 year. Abhi lockdown mein regularly liya nahi hai. Will it affect its efficacy? Obviously yes. So get in touch with your rheumatologist. Abhi lockdown unlock ho raha hai. जाके रूमेटोलॉजी से मिलके फिर वापस सिस्टमेटिकली जैसा वो बोलते हैं चालू कीजिए. मानसी धिगरा का क्वेश्चन है अबाउट साइड इफेक्ट्स, विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट दिस थिंग. कुणाल धरने का क्वेश्चन इज ओनली एलोपैथी यूजफुल इन अ नेचुरल थेरेपी, कैन इट वर्क? सम डॉक्टर्स से इट इज साइकोसोमेटिक. सबसे पहले साइकोसोमेटिक बीमारी तो नहीं है, ये प्रॉपर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक प्रॉपर बीमारी है, फिजिकल बीमारी है, साइकोसोमेटिक नहीं है. सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन. इज ओनली एलोपैथी यूजफुल? अभी तक जो प्रूफ है, एविडेंस है, देखो मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस के ऊपर बेस्ड है. एविडेंस के लिए क्या, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ पेशेंट्स में, देख रहा हूँ कि उसका इफेक्ट है, उसके ऊपर बेस्ड है. मेरे रिम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलती आज की दुनिया कि मैं बोलूँ कि मेरे इधर लोग आके काउडंग खा के अच्छे होते हैं, तो वो मेरा रिम एंड फैंसी, उसके ऊपर नहीं चलती है दुनिया. दुनिया चलती है आज के दिन में एविडेंस पे कि इतने लोगों में ये पर्टिकुलर ड्रग दिया गया और उसमें इतना उसका रिजल्ट आया. दुनिया भर ये रिजल्ट्स देखे जाते हैं और फिर ये कई गाइडलाइंस बनती है कि ये दवा इफेक्टिव भी है, सेफ भी है. ये सेम चीज समो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में इतनी होती नहीं है. तो सिंस वी आर इनटू एलोपैथी, हम लोग एलोपैथी का बात करते हैं, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ जो हम लोग बोल रहे हैं. वो भी शायद इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन आज के दिन में एविडेंस आप देखोगे तो उतना ज्यादा उनका अवेलेबल नहीं. दिनेश मस्के का क्वेश्चन है, पैंडेमिक में इसको हम लोग ले सकते हैं क्या? नहीं. और भी एक दो वॉरियर्स का यही क्वेश्चन है, उत्तम का भी क्वेश्चन है कि ये पैंडेमिक में ले सकते हैं कि नहीं. आई थिंक ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. एक दो क्वेश्चन बिफोर वी एंड, इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन शायद मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए लेने पड़ेंगे. अनुराग का क्वेश्चन है, एडफ्रार बायोसिमिलर है बायोलॉजी? इट इज अ बायोसिमिलर. भजन टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट श्योर, शायद भजन उनका नाम रहेगा. हिप में डिफॉर्मिटी आ रही है, क्या बायोलॉजिक लेना उसको ठीक कर सकता है? डॉक्टर राजकिरण, हिप में डिफॉर्मिटी चालू हुई है उनको, एंड वेदर ही शुड बी टेकिंग अ बायोलॉजिक? या हिप में डिफॉर्मिटी मतलब इसको हम बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चरल डैमेज. मतलब देखो, होल पर्पज ऑफ गिविंग बायोलॉजिक्स या मेडिसिन या ट्रीटमेंट क्या है? डैमेज नहीं होना पड़ता. तो वाई वी इनिशिएट इतना कॉस्टली थेरेपीज क्यों लेते हैं कि ताकि हम ये जो आपका जो जॉइंट्स जो है, जो स्ट्रक्चर आपका जो स्पाइन जो है, दैट शुड नॉट गेट डैमेज्ड बोलते. दैट इज अ मेन पर्पज ऑफ गिविंग ऑल दिस ड्रग्स. अगर आपका जॉइंट ऑलरेडी डैमेज हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन टू वॉट एक्सटेंड इट हैज़ डैमेज्ड. मतलब अगर आपके पूरी तरह से मतलब हिप जो डैमेज हो गया आपका, आप चल भी नहीं सक रहे हो, आप खड़े भी नहीं सक रहे हो, तो फिर उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो क्या बेसिकली उसमें क्या होता है, जब आपका जॉइंट जो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, उसमें दो फैक्टर्स आते हैं जो आपका पेन क्रिएट करते हैं. एक जो है इन्फ्लेमेशन, दूसरा जो है स्ट्रक्चरल डैमेज. अगर आपका जॉइंट बुरी तरह से डैमेज हो गया, मतलब वो एनाटॉमिकली डिस्टार्ट हो गया, मतलब वो प्रॉपर पोजिशन में नहीं, वो बायोमेकेनिक्स चेंज हो जाता है, उसके दौरान भी अगर आपको डैमेज हो गया तो फिर आपको पेन तो होगा ही होगा. अगर आप उसमें इन्फ्लेमेशन भी है तो फिर उसके कारण भी पेन होता है. जब एक जॉइंट डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें पेन दो तरीके से आता है, वो डैमेज की वजह से आता है और एक्टिविटी की वजह से आता है. अगर आप बायोलॉजिक दे रहे हो तो फिर एक्टिविटी से जो पेन होता है उसको हम कम कर सकते हैं. मतलब वो जो साइटोकाइन्स TNF अल्फा को कम कर सकते हैं, मतलब वो जो इन्फ्लेमेशन रहता है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो डैमेज हो गया जॉइंट उसको तो बायोलॉजिक से लेकर हम रिपेयर नहीं कर सकते. उसको कैसे करना उसका डिपेंड रहता है जितना डैमेज हो आपका. अगर बोरी बहुत बुरी तरह से अगर हिप डैमेज हो गया, आपका पोस्चर चेंज हो गया, आप चल नहीं सक रहे, तो फिर अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यू कैन मैनेज इट लाइक दैट. अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत असर पड़ रहा एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिव नॉर्मली, द बेस्ट इज टू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट. अगर आपका जॉइंट बहुत ही माइल्ड डैमेज हो गया, अगर आपका डॉक्टर बोला आपका एक्सरे देखकर या MRI देखकर, हाँ इधर थोड़ा आपका हिप जॉइंट डैमेज हो गया,
तो फिर बहुत माइल्ड तरीके से डैमेज हो गया, आपका डे टू डे एक्टिविटीज से कुछ उसका असर नहीं गिर रहा, यू आर एबल टू मैनेज इट लाइक दैट, देन ओके यस यू कैन मैनेज विद दिस बायोलॉजिक्स. लेकिन हिप पेन अगर आप देखते हो, स्पेसिफिकली हिप पेन अगर आप देख रहे हो, तो फिर बायोलॉजिक्स दे से इट्स वेरी इफेक्टिव. अगर हिप पेन में बायोलॉजिक्स बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, शायद दूसरे जॉइंट पेन में एनएसएड्स भी अच्छा काम कर सकते हैं पेन किलर्स, लेकिन बायोलॉजिक्स हिप पेन में, हिप पेन का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इट इज वेरी इफेक्टिव. और जैसे मैं और शशांक इंसिस्ट कर रहे थे, योर डॉक्टर विल बी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड वेदर योर पेन इज रिलेटेड टू द जॉइंट डैमेज पर से और इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन. सो इट्स योर डॉक्टर, बेसिंग अपॉन सम ब्लड टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, ही विल डिसाइड वेदर देर इज अ डैमेज और वेदर देर इज इन्फ्लेमेशन. अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो फिर डॉक्टर जनरली आपको पहले इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई देता है, उसमें बायोलॉजिक्स भी हो सकता है कभी कभी. इन्फ्लेमेशन पूरा कम होने के बाद, उसके बाद में भी अगर आपको पेन हो रहा, देन डॉक्टर माइट सजेस्ट यू टू गो फॉर सर्जरी. ऐसे नहीं सोचना कि अगर आपको अरे पहले से ही सर्जरी, अरे बेकार में बायोलॉजिक लिया, ऐसे नहीं सोचना. क्योंकि अगर आपका इन्फ्लेमेशन कम नहीं हुआ तो फिर ऑपरेट करने में भी दिक्कत होती है डॉक्टर को, क्योंकि बिकॉज वो ऑपरेशन कहीं तरह पे कभी कभी सक्सेस भी नहीं हो सकता. इसीलिए अगर आपको ऑपरेट कराना है हिप जॉइंट, तो फिर आपका इन्फ्लेमेशन कम रहना है जितना हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी बर्डन को कम करना चाहिए. और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बायोलॉजिक्स ये सब बहुत इट विल हेल्प अ लॉट. सो दिस इज मोस्टली इट हैज टू बी डिस्कस विद योर डॉक्टर. लेकिन फॉर द स्ट्रेट अगर पॉइंट टू लाइक टू आंसर यूर क्वेश्चन, लाइक हिप जॉइंट अगर बुरी तरह से डैमेज हो गया तो फिर बायोलॉजिक्स विल नॉट कम्प्लीटली मेक इट नॉर्मल. एक दो क्विक क्वेश्चन एंड अनदर टू क्वेश्चंस, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 hour 40 minutes हो गए बात करते करते हमारे. देवराज दास, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला. एक्चुअली इट्स सो इंटरेस्टिंग डिस्कसिंग विद आवर एंड क्वेश्चंस आल्सो. आई शुड थैंक आवर ऑडियंस, और आई शुड थैंक बिकॉज जितना भी मैं दूसरे फोरम्स अटेंड किया हूँ, एंड दिस इज अ वेरी हाई क्वालिटी डिस्कशन. जैसे अगर पेशेंट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लग रहा कि आई एम टेकिंग क्लास फॉर MBBS स्टूडेंट्स और MD स्टूडेंट्स. जो लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, दिस इज समथिंग लाइक जो MBBS का जो ट्रेनिस रहता है, MD का जो ट्रेनिस रहता है, तो फिर वो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग. मतलब इट इज़ वेरी गुड टू नो लाइक लॉट ऑफ आवर पेशेंट्स आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च, एंड उनमें ये लॉट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ जानने के लिए. एंड आई विल रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूँ अपने पूरे जो मेम्बर्स जो है अभी ये सुन रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, एंड प्लीज अटेंड ऑल द सेशंस ऑफ शशांक जो पेशेंट एजुकेशन है, एंड प्लीज बी ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस डिजीज एंड ट्राई टू स्प्रेड द नॉलेज. क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज बढ़ता है, ये हमारा संस्कृति है इंडिया में, वो हम सोचते हैं कि आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपका AS में, आप डिस्कस करो. कभी आप दूसरे लोगों से आप शेयर कर रहे हो, तो फिर वो तीसरा आदमी आपको तरह तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसमें फिर आप सोचने लगते हैं. तो फिर वापस अगर आपको कौन सा भी अगर क्वेरी है, फिर वापस शशांक के सेशन में आ जाओ और शशांक से पूछो कि सर ऐसा क्यों है बोल के. तो फिर दिस इज एजुकेशन इज ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस. अगर एक दिन अगर आप बायोलॉजी के बारे में 1.5 घंटे का सेशन हमने किया है, तो फिर उससे आपका बायोलॉजिक्स का अंडरस्टैंडिंग पूरा खत्म नहीं होगा. एजुकेशन इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, और इतने बहुत मजा आता है कुछ नया सीखने में. तो फिर मेरा विनती है कि अब आगे भी शशांक का और ज़्यादा और पूरे सेशंस है बायोलॉजिक्स के बारे में, प्लीज लिसन टू दो सेशंस. और आपके कहीं कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करो. ऐसे इट्स नॉट दैट दे शुड हैव एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. उनका फैमिली में किसी को रह सकता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या किसी और को कभी फ्यूचर में भी हो सकता है. मैं तो ऐसा कई सारे बात हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर नॉट पर्टिकुलर ओनली टू एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दे मे बी हेल्पफुल टू एनी अदर डिजीज ऑल्सो. मतलब बट इन व्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर एजेंडा, जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बायोलॉजिक्स है. तो फिर शेयर योर थॉट्स, शेयर योर नॉलेज विद अदर कलीग्स. जैसे शशांक ने बोला, जो मेरा विम्सन फैंसिस वो नहीं चलता दुनिया में दुनिया चलती है एविडेंस के बारे में, आज की डेट में. सो साइंटिफिक प्रूफ के बारे में जो हमने बोला है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो अगर दूसरे ने भी ऑब्जर्व किया, उसका बहुत सारा डिस्कशन होना पड़ता, डिबेट करना पड़ता उसके बारे में. जब जाके जैसे दिस इज जस्ट लाइक अ मंथन करना, जैसे पूरा मंथन करते हैं और देवत और राक्षस मंथन करते हैं, बहुत सारे सालों का मंथन के बाद उसमें से कुछ अच्छा निकलता है. सो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और अगर आपका बायोलॉजिक देखे हो एक तरीके का, वो बहुत सारे सालों का मंथन के बाद
वो बायोलॉजिक निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ये दे रहा हूँ ये अच्छा है बोल के, सो दैट मैट नॉट ऑल दैट मैट नॉट ऑल वर्क, ये दुनिया ऐसा चलता है। तो फिर प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, सो अटेंड फ्यूचर सेशंस और इन्वॉल्व लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो टू अटेंड दिस काइंड ऑफ ए वंडरफुल डिस्कशंस, जिससे दिस माइट चेंज अवर लाइफ और दिस माइट चेंज अवर अप्रोच टूवर्ड्स दिस डिजीज। Yeah, thank you. Debraj Das, quick questions lete now. It's almost time. We should be winding up. Debraj Das ka question hai, I'm taking infliximab. If someday later, agar antibodies uski banti hai, toh can I start another biologic? Obviously, yes. Yehi hum log ne discuss kiya. Agar kisi ke antibody banti hai, nahi effect hota hai, you can switch over to other antibiotic. Deepak Vankhede ka question hai, is it obligatory to continue biologics once started or can one come back to NSAIDs or DMARDs? Ye dekho, ye aapke rheumatologist, in fact, फ्रॉम टाइम थ्रू आउट दिस सेशन आपने देखा रहेगा कि हम लोग कॉस्ट फैक्टर की बात 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 कर रहे हैं, तो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस। तो रूमेटोलॉजिस्ट देख के डिसाइड करते हैं, एक बार कोई रेमिशन में जाता है तो वी ट्राई रिड्यूस एंड ट्राई स्टॉप द बायोलॉजी। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि किसी को आज चालू किया यानी लाइफ लॉन्ग लेना ही है, ऐसा डेफिनेटली कोई रूल नहीं है। और चालू करते टाइम भी ये दिमाग में मत रखना कि आज चालू किया है यानी मुझे लाइफ लॉन्ग लेना है तो मैं लूंगा नहीं तो बेटर रहेगा, प्लीज वो डेफिनेटली नहीं सोचना है आपको। एक दो क्वेश्चन और नूर आगा दानिश का क्वेश्चन था, आई हैव प्रॉमिस कि मैं ये डेफिनेटली आंसर करूंगा। बायोलॉजिक्स फॉर चिल्ड्रन चीप एंड इफेक्टिव, ये वापस यू नो देयर आर मल्टीपल बायोलॉजिक्स, ये बेस्ट रहेगा कि आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए, क्योंकि आपकी बीमारी किस स्टेज में कितनी सीवियर है उसके हिसाब से काफी कुछ डिसाइड होता है कि कौन सा बायोलॉजिक आपके लिए बेस्ट रहेगा, और वहीं पर फिर उसकी कॉस्ट भी आ जाती है। ओरल बायोलॉजिक एंड एफिकेसी, ओरल बायोलॉजिक्स कुछ डेफिनेटली आए हैं अभी अवेलेबल है, लेकिन आज तक उनका सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टडी होकर वे अप्रूव हुए हैं। आज के दिन में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उनकी स्टडीज चालू है लेकिन फाइनल उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, और गवर्नमेंट ने आज के दिन में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए उसको अप्रूव नहीं किया है। तो आज के दिन में जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अवेलेबल है वो सब पैरेंट्रल जैसा इंजेक्शन फॉर्म में है, ओरल फॉर्म में आज के दिन में अप्रूव्ड बायोलॉजिक्स नहीं है। आर के अरोरा का क्वेश्चन है, दिस इज फॉर यू राजकिरण, अगेन दिस इज नॉट रियली रिलेटेड टू बायोलॉजिक बट आई हैड प्रॉमिस हिम कि आज मैं जरूर ये आंसर करूंगा। वेदर फ्यूजन एंड ऑस्टियोफाइट्स आर सेफ, थोड़ा उनका डिश के बारे में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन था तो दिस मे हैव समथिंग टू डू विद डिश, लेकिन द क्वेश्चन इज वेदर फ्यूजन ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियोफाइट्स आर द सेफ। प्लीज नो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। फ्यूजन मतलब एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता, एक इसमें जो जो बनते हैं उसको सिंडेस्मोफाइट्स बोलते हैं। सिंडेस्मोफाइट्स एक अलग चीज़ है, ऑस्टियोफाइट्स एक अलग चीज़ है। ऑस्टियोफाइट्स क्या है, दे आर बेसिकली एक डिजेनरेटिव डिजीज में होता है, मतलब अगर आप एज रिलेटेड स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, या डॉक्टर शशांक ने बोला डिश जो है जो डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, सो दिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस। मतलब ऑस्टियोफाइटोसिस अलग है, सिंडेस्मोफाइटोसिस अलग है। सिंडेस्मोफाइट्स आर फॉर्म्ड इन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतना इमेजेस नहीं है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, उसमें क्या होता है, एक एक हड्डी ऐसा रहता है, दूसरा मतलब एक वर्टिब्रा बोलते हैं बॉडी, दूसरा ऐसा, दोनों के बीच में डिस्क बोल के एक सॉफ्ट टिश्यू रहता है। डिस्क के बाहर ही बाहर जो डिस्क का जो मार्जिन्स रहते हैं उसके थ्रू पूरे कैल्सिफाई होते जाते हैं। मतलब आपका एक वर्टिब्रा ऐसा है तो फिर आपका सिंडेस्मोफाइट ऐसा बन के नीचे आता है, तो फिर अगर आप देख रहे हो तो ऑस्टियोफाइट अगर आप देख रहे हो तो फिर आपका वर्टिब्रल बॉडी है वो डिजेनरेटिव प्रोसेस है, वो थोड़ा साइड में बनता है, ऐसा साइड के ऊपर ऐसा बड़े बड़े ऑस्टियोफाइट्स आते हैं। तो फिर सिंडेस्मोफाइट थोड़ा अलग है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बनता है, ऑस्टियोफाइट्स अलग है जो डिजेनरेटिव डिजीज या कभी कभी डिश में दिखने को मिलता है। तो फिर इसमें क्या होता है, सिंडेस्मोफाइट इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इसमें मतलब अगर अदर इनडेप्थ गए तो फिर इसमें एक एंथेसिस बोल के रहता है, उसके थ्रू ये कैल्सिफिकेशन या वी गिव अ टर्म कॉल्ड न्यू बोन फॉर्मेशन जो बोलते हैं, वी कॉल इट इज ए न्यू बोन फॉर्मेशन। इसमें अगेन दिस साइटोकाइन्स, स्पेशली रिसेंट रिसर्च में पता चला कि IL-17 विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस न्यू बोन फॉर्मेशन। तो फिर ये पूरा इनडेप्थ डिस्कशन है, कभी कभी एंटी TNF ड्रग्स दिए तो न्यू बोन फॉर्मेशन रुकता है या एंटी IL-17 दिए तो न्यू बोन फॉर्मेशन रुकता है। बट बेसिकली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग देर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से ये न्यू बोन फॉर्मेशन या फ्यूजन होता है। और एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ऐसा होता है पूरा स्ट्रेट होता है, अगर आप ऑस्टियोफाइट्स या उसका देखें तो थोड़ा साइड में चले जाता है।
तो फिर ये एक इसके ऐसा कुछ क्लूज रहते हैं, हम उसके थ्रू हम एक्सरेस बेसिकली आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज व्हाट। और कहीं सारे चीज़ अगर डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि आपको ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फ्यूजन है या डिश का फ्यूजन है या फ्लोरोसिस कभी कभी हम आंध्रा में देखते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज बोलते हैं इसके थ्रू आ रहा है, तो फिर डॉक्टर आपका देर विल गैदर इंफॉर्मेशन, आपके थ्रू एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के थ्रू। मगर आपका हिस्ट्री अगर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसा है और या डिजेनरेटिव डिजीज जैसा है या लाइक एज डॉक्टर शशांक ने बोला वेदर वी विल डिफरेंशिएट वेदर इट इज एन इन्फ्लेमेटरी बैक पेन और मैकेनिकल बैक पेन, उसमें अपने को पता चल जाता है हिस्ट्री के थ्रू। उसके बाद में एक्सरेस हम करेंगे, एक्सरे में हमको पता चल जाता है कि वी हैव सर्टेन ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बोलते हैं जो ये सिंडेस्मोफाइटोसिस या फ्यूजन ऑफ द बोन एंड एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है या डिश में होता है। और टू सम अप एंड रैप अप फाइनली, जो आपका ऑस्टियोफाइटोसिस होता है वो कम्प्लीटली अलग है आपका न्यू बोन फॉर्मेशन ऑफ एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। इसमें सिंडेस्मोफाइट्स रहते हैं, उसमें ऑस्टियोफाइट्स रहते हैं, दोनों कम्प्लीटली अलग चीज़ है। एक सूरज चौरसिया का एक क्वेश्चन मैं अटेंड डेफिनेटली करना चाहूंगा, ये इमरजेंसी क्वेश्चन है उनका। सर आई हैव टू गो टू एसजीपीजे लखनऊ टुमारो फॉर इंफीमैब इंजेक्शन एंड टुडे आई हैव सोर थ्रोट। तो सूरज आई फील यू शुड इन्फॉर्म योर रूमेटोलॉजिस्ट वेल इन एडवांस दैट सोर थ्रोट है, ये पॉसिबल कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो शायद आपका इंफीमैब पोस्टपोन किया जा सकता है। तो आप आइदर थ्रू फोन या कल जाके पहले बोल दीजिए उनको कि सोर थ्रोट है, मुझे लेना है इंफीमैब या पोस्टपोन करना है, योर रूमेटोलॉजिस्ट एट एसजीपीजे विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। तो दोस्तों इनफैक्ट ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ अनआंसर्ड, आई एम रियली सॉरी कि आपके सब क्वेश्चन में नहीं ले सका, लेकिन आइदर आप वापस एक दो दिन के बाद ये वीडियो वापस देखिए, मैं ट्राई करके वो क्वेश्चन आंसर करूंगा या तो फिर अगले सेशन में इनको जरूर लूंगा। और अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए तो शायद बायोलॉजी के हम लोग 3 के जगह पे 4 सेशन कर देंगे डेफिनेटली, बट योर क्वेश्चंस विल नॉट गो अनआंसर्ड। धन्यवाद डॉक्टर राजकिरण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू शशांक, आई थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी टू दिस एलीट ऑडियंस, क्योंकि बिकॉज मैं इसमें ऑडियंस का भी बधाई देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी बोला हूँ कि कितने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं कि ये लोग, बिकॉज इनके जो क्वेश्चन है दिस एक्चुअली हैज़ एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द बायोलॉजिक्स एंड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो फिर बहुत ही अच्छा डिस्कशन चला आज के साथ, मैं ऑडियंस को भी बधाई देता हूँ कि एंड आई विल थैंक देम कि दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस वंडरफुल डिस्कशन, एंड आई रिक्वेस्ट देम टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन सच डिस्कशंस विच शशांक इज कंडक्टिंग, एंड इट्स वंडरफुल वे टू मूव फॉरवर्ड। एंड आई थिंक जो वी हम आज तक जो अवेलेबल बेस्ट मेडिसिन है, आज तक जो रिसर्च अवेलेबल है इस बीमारी के बारे में दैट वी आर डिस्कसिंग, और शायद रोज़ रोज़ नया नया रिसर्च, नया नया दवाइयाँ और लॉट ऑफ मेडिसिन आर देयर इन पाइपलाइन। जैसे ही कुछ नया अवेलेबल रहेगा, जैसे ही कुछ पेशेंट्स के लिए नया कुछ अच्छा चीज़ होगा, शशांक विल आई नो शशांक विल डेफिनेटली कम आउट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। जिस मैंने बोला दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ वेरी मच डायनेमिक, हमको इधर रुकना नहीं चाहिए, एंड हमको ये, मैं शशांक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये अभियान आप स्टार्ट किया हो, लाइक रिमेटोलॉजिस्ट बहुत सारे रिमेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया में, लाइक यू हैव टुक दिस इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत कम लोग आज के बारे में सोचते हैं कि जस्ट टू गेट डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस पीपल और ऑडियंस अक्रॉस इंडिया एंड ट्राई टू क्लियर ऑल देयर थाट्स, एंड दिस वॉट यू आर डूइंग इज़ अ वंडरफुल थिंग, एंड आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू टू कंटिन्यू दिस and get and involved, and I think Shashank, a lot of people from outside India also are getting involved in this discussion. I think it's not just only people in India, because ab ye online ya web ke through ye ek acha cheez humko covid ne sikha diya ki hum log aise bhi connect ho sakte hain, kyunki pre covid era mein bhi chalta tha, lekin itne sare matlab ye ekdam aise compulsory ho gaya humko ki hum like we are connecting good, connecting well. सो फाइनली विद दिस मैं आखिरी बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको कि एंड शशांक को, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वॉल्विंग मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी का इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। एक दो चीज़ें वापस कहना चाहूँगा जस्ट टू रैप अप। एक, हर एक को बायोलॉजिक लगना नेसेसरी नहीं है, अगर आपको जरूरत रहेगी तो ही ऑब्वियसली आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको कहेंगे। सेकेंड,
जब से सेशन चालू हुआ है और जब तक सेशन एंड हुआ है, आपने काफी बार सुना रहेगा कि कॉस्ट के वजह से हम लोग ऐसा करते वैसा करते, तो ये प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि वी आर वेरी मच अवेयर, हमको भी मालूम है कि बायोलॉजिक्स एक्सपेंसिव है, हम लोग मेजोरिटी अपने जो वॉरियर्स है वो खुद के पॉकेट से खुद के जेब से खर्च करके लेते हैं, तो वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि कैसे ये खर्चा हम लोग मिनिमम रख सके। तो जब भी कभी किसी को बायोलॉजिक दी जाती है तो वो जो लैटरल थॉट्स बोलते हैं हम लोग, सबको बायोलॉजिक्स बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, वो प्लीज मत सोचिए। एंड लास्टली स्टैंड फॉर एज इसी के लिए चालू हुआ है और इसी के लिए प्रोग्रेस हो रहा है। वी हैव अ पैशनेट बिलीव कि अगर हम लोग एंकिलोथिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सके, एंड सेकेंडली जो एंकिलोथिंग स्पॉन्डिलाइटिस वॉरियर्स है उनको करेक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन दे सके, तो हम लोग एंकिलोथिंग स्पॉन्डिलाइटिस की सफरिंग ऑलमोस्ट 40-50% ऐसे ही कम कर सकेंगे। तो जब भी आपको डाउट हो जरूर इस प्लेटफॉर्म पे पूछिए, इसमें काफी सारे वीडियोज भी अवेलेबल है जिसमें आपको आंसर मिल जाएगा। एंड फाइनली आपके रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस कीजिए एंड फिर उसके बाद आप डिसीजन डेफिनेटली ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेशन, इट इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट विदाउट योर पार्टिसिपेशन। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।